गुड मॉर्निंग चिराग भाई एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स अ लॉट। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप एक सेशन आइए सर, व्यूवर्स को अपना जो नॉलेज है वो शेयर करिए एंड हियर यू आर। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम चिराग भाई। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी कि हम लोग इस शो कर रहे हैं। आई होप कि मैं आपके व्यूअर्स के लिए और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकूं। दे विल फाइंड सम वैल्यू इन माय अप्रोच। आई होप सो। श्योर श्योर। जो लोग नहीं जानते, चिराग भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मैं शेयर कर दूंगा। वहां पे भी उन्होंने बहुत सारे इंसाइटफुल वीडियोस, अपनी जो डीप डाइव्स है, अपनी जो मार्केट रिसर्च है, उसके बारे में बहुत डिटेल में वो जाते हैं। बहुत चीजों को अंदर जाके वो अपनी रिसर्च निकालते हैं। अगर आप उसको डिटेल में जानना सीखना चाहोगे तो आप चिराग भाई का यूट्यूब चैनल उसको जरूर चेक करिए। एंड चिराग भाई, आपसे मैं ये पूछूंगा कि आपकी जो थोड़ी जर्नी है स्टॉक मार्केट में, वो थोड़ी ब्रीफ में आप एक्सप्लेन करिए कि आपकी जर्नी कैसे है, रही अभी तक की स्टॉक मार्केट में, स्टार्ट से लेके अभी तक का। तो आई स्टार्टेड इन 2013 के एंड में दिसंबर, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज मतलब कि सेल्फ लर्निंग का ही सिचुएशन रहा। अप्स एंड डाउन्स रहे। मैंने बहुत तरह की कुछ चीजें मैंने कभी ट्राई नहीं की, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ये मैंने कभी नहीं की। बट मैंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग की, और शुरू में मेरे स्टार्ट में पहले किसी के पास भी कोई सिस्टम नहीं होता था। मेरी भी स्टार्टिंग वैसी ही मैंने कई सारे मतलब कि कुछ ब्लॉग्स पढ़े उससे सीखा, फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़े टेक्निकल एनालिसिस की उससे सीखा। 2015 में मैंने पहली बार विलियम मुनीर को पढ़ा, और उनके ग्रोथ इन्वेस्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा जोर दे रखा था। तो मैं हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स को देखता था, और उसकी वजह से मुझे अच्छे खासे विनर्स मिले 15 में, 16 में, 17 में। 15 वॉज अ बेयर मार्केट एक्चुअली, बट स्टिल कुछ स्टॉक्स थे जो अच्छे मिले। बट 16, 17 में मुझे अच्छे स्टॉक्स मिले, जैसे कि AIG जैसे स्टॉक्स मेरे पास थे, एडलवाइस। 16, 17 बहुत अच्छा रहा, एंड देन 18 के 18 में ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज अ डबल एज सोर्ड। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग योर स्टॉप लॉसेस, तो वो ऐसा नहीं होता कि हाई ग्रोथ विल कंटिन्यू, तो वहां पे आप पैसा कमाते हैं। मैंने भी कुछ पैसा कमाया, और इनफैक्ट क्या होता है कि इवन इफ यू आर अ पर्सन विथ स्टॉप लॉस, तो होता क्या है कि वी ट्रेडर्स ऑफन टेंड कि जैसे ही एक लेग ऑफ करेक्शन आ गया, हम लोग सोचते हैं कि सेकेंड लेग ऑफ मूव जो आएगी, मतलब जो थोड़ा बहुत अप मूव आता है, हम लोग सोचते हैं कि वहां न्यू बुल मार्केट शुरू हो गया, अभी एंटर अगेन। तो कुछ मिस्टेक्स रही, बट आई लॉस्ट अबाउट 20% ऑफ माई जो भी मेरा पोर्टफोलियो पे गेन था 2017 वगैरह का। आई लॉस्ट रफली 20% इन दैट फेज बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग स्टॉप लॉसेस इन ग्रोथ स्टॉक्स। दैट वाज द रीजन, एंड देन आई एक्चुअली लेफ्ट ग्रोथ इन्वेस्टिंग आफ्टर 2018, एंड आई फोकस्ड ऑन मार्क मिनर्विनी। मैंने मार्क मिनर्विनी को पढ़ा, एंड आई स्टार्टेड 18-19 से मैंने वापस से शुरू किया इन फुल प्लेस ट्रेडिंग के स्टाइल। नाउ आई एम मोर लाइक अ ग्रोथ इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर। मैं कुछ फैक्टर्स जो मेरे होते हैं वो मैं ये देखता हूँ कि मैं कहाँ से मतलब कि ग्रोथ के फैक्टर्स भी देखूँ, और जिससे मुझे एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ मिले, और मैं उससे पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। मैं वेलोसिटी ट्रेडिंग भी करता हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ माई जो लाइफ स्टाइल है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और जो मुझे कैपिटल इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप बहुत तेजी से बहुत बड़े कैपिटल को रोटेट नहीं कर सकते हैं मार्केट में। सो आई एम मोर फोकस्ड ऑन शिफ्टिंग टुवर्ड्स पोजिशनल ट्रेडिंग। वो मेरा करेंट में स्ट्रेंथ है, और मेरी लाइफ स्टाइल के साथ भी हो जाता है, तो मैं ज्यादा उस तरफ करेंटली फोकस्ड। आप शेयर करेंगे कि अभी आप कैसे ट्रेड करें, एज मैं जैसे आपने बताया कि आप इवॉल्व होते आए हैं 2018 में कुछ, और एब्सोल्युटली अभी तो आप बताएंगे कि आप कैसे ट्रेड कर रहे हैं अभी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो एक्चुअली मेरा कभी भी कोई मेंटर नहीं रहा, दैट इज वन थिंग विच इज देयर। एक मेंटर थे मेरे, लेकिन वो कमोडिटी में स्कैल्पिंग करते, तो मुझे ना तो कमोडिटी करनी थी ना स्कैल्पिंग करनी थी। सो इट वाज नॉट मतलब उस मैंने उनको ज्वाइन ही इसलिए नहीं किया था कि मुझे कमोडिटी में कभी स्कैल्पिंग करनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट हिज थॉट प्रोसेस, जो कि बहुत यूनिक और बहुत अच्छा था, एंड स्टिल उनका जो थॉट प्रोसेस था वो मेरे थिंकिंग का फाउंडेशन। बट मैंने जो भी सीखा है वो बहुत हद तक खुद से वर्क करके और थिंकिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके जरिए मैंने चीजों को सीखा है। सिर्फ बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैंने भी जब शुरू किया था, मैंने 30-35 बुक्स की लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने सारे को पढ़ा भी नहीं, दो चार पढ़ के मुझे समझ में आ गया कि करना क्या है।
एंड देन जो भी मैं मेरा इवॉल्व मैं जो भी हुआ वो थिंकिंग के बेसिस पे हुआ। मैं जितना सोचता हूँ उतना ज्यादा चीजों के कारण को समझ पाता हूँ, कारण समझता हूँ तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाती है। सो हियर इज ए स्टॉक कॉल्ड DCX। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप इस स्टॉक को कैसे देखा आपने और कैसे आपने इसको ट्रेड किया। सो इट वॉज अ बिग पोजिशन जो मैंने इस स्टॉक में क्रिएट किया एंड आई हेल्ड इट फॉर क्वाइट क्वाइट डिसेंट टाइम। अभी भी मेरे पास से स्टॉक फुल क्वांटिटी पड़ी है, राइट। ओके ओके सो दिस इज वन वे जैसे कि मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगातार रिक्वेस्ट था कि आप DCX पे वीडियो बनाइए, सो आई गॉट अ चांस राइट नाउ कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ। ग्रेट 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 सो सबसे पहले हम लोग स्टॉक को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज लीनियरिटी के बेसिस पे, या तो स्टॉक लीनियर है जो टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है, स्टेजेस को फॉलो कर रहा है और उसमें क्लैरिटी है। और दूसरे कैटेगरी का स्टॉक होता है जिसमें कि क्लैरिटी नहीं है, इट इज अच्छी रेंज काइंड ऑफ बिहेवियर। और रेंज भी ओके कोई डिफाइनेबल रेंज नहीं है कि आप उसको दो लाइन के बीच में या किसी भी तरीके से आप उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करके उसको डिफाइन कर सकते। इट इज अ रैंडम प्राइस मूवमेंट जिसमें कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लीनियर स्टॉक्स को एक कैटेगरी में रखेंगे और नॉन लीनियर को एक कैटेगरी। जो नॉन लीनियर स्टॉक्स हैं उसके ऊपर स्टेजेस अप्लाई करने का, मूविंग एवरेजेस अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक ओके है। इट इज एब्सोल्यूटली वो उस हिसाब से नहीं मूव करता है जैसे RBNL मूव से पहले वो जैसा, राइट। इट इज अ सिचुएशन ऑफ नॉन लीनियर स्टॉक। मैच स्टॉक को देख लीजिए, कुछ शिपयार्ड को देख लीजिए, दीज आर ऑल नॉन लीनियर स्टॉक्स बिफोर द मूविंग। उसको एक बार एक एक कैटेगरी में रखते हैं, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं, बट करेंटली आई एम डिस्कसिंग लीनियर स्टॉक्स, ठीक है। सो लीनियरिटी इज ऑल अबाउट जब प्राइस गिरती है तो भी लीनियरिटी होती है, चढ़ती है इतना। यदि हम लोग अभी करेंटली बात करें, वी आर टॉकिंग इन हिंदी, राइट। यदि मैं अरेबिक में बोलूं और आप जो है वो मुझसे फ्रेंच में बात करें तो हम लोग एक दूसरे के पॉइंट को नहीं समझ पाए, ट्रू ट्रू राइट। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग अ कॉमन कम्युनिकेशन की चीज, हम लोग कम्युनिकेशन कॉमन यूज नहीं कर रहे, राइट। तो चार्ट जो है, ये चार्ट आपके साथ इस लैंग्वेज में, टेक्निकल एनालिसिस के लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर, इट इज कम्युनिकेटिंग। तो इसके लिए जरूरी है कि चार्ट भी वो लैंग्वेज बोले जो आप समझना, जो आप जानते हैं, यानी चार्ट भी टेक्निकल का लैंग्वेज बोले। यदि स्टॉक नॉन लीनियर है तो वो टेक्निकल के लैंग्वेज में आपसे बात नहीं कर रहा है, तो टेक्निकल अप्लाई करके कोई फायदा है, बहुत लिमिटेड टेक्निकल का ही एप्लीकेशन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा जो स्टॉक है जिसके साथ मैं डील करूं, क्या इसमें वो लिनियरिटी या वो लैंग्वेज में बात कर रहा है जो मैं समझता हूँ या वो नहीं बात कर रहा है। तो हम लोग लिनियरिटी को फॉल में भी देखते हैं, एडवांस में भी लिनियरिटी देखते हैं, और इवन रेंजेस और कंसोलिडेशन में भी लिनियरिटी, तीनों में लिनियरिटी देखी जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देखूंगा यहाँ पे कि क्या इस स्टॉक में एक लिनियरिटी है। आई कैन सी दैट द प्राइस इज गेटिंग कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड फ्रॉम 10 एंड 20 पीरियड, ठीक है। यानी कि ये प्राइस मूविंग एवरेजेस को फॉलो करे, यानी ये एक नाइस डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड है लेकिन एक नाइस डाउन ट्रेंड है। यदि एक नाइस डाउन ट्रेंड है इसका मतलब है इसमें इनफ पार्टिसिपेशन आ रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने का, स्टॉक्स को लेके लोगों के दिमाग में मेमोरी है, राइट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि मेमोरी वर्क कैसे करती है। ये मेमोरी ऐसे वर्क करती है कि मैंने ट्रेड लिया मान लीजिए 2017, राइट, एंड इट मेड बी BAPL नाम का स्टॉक था। आई मेड रफली 40 कैलेंडर डेज में आई मेड रफली अराउंड 70%। अक्टूबर 19 को बाय किया था, दिवाली का दिन था, एंड 30th of November को मैंने एग्जिट किया उस स्टॉक को रफली 70%। मेरा एक अच्छा मेमोरी इस स्टॉक के साथ एसोसिएट हो गया। तो जब ये 2020 में वापस आया, जब भी ये मेरे वॉच लिस्ट में आता था, आई यूज टू पे अ लिटिल बिट मोर अटेंशन टू द स्टॉक ग्रेट बिकॉज पॉइंट ऑफ द गुड मेमोरी विच जो कि मेरे साथ एसोसिएट है। तो यस 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 उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उस स्टॉक को जब 2020 में वो वापस आया, आई ट्रेडेड इट अगेन, आई मेड माई मनी अगेन, ठीक है। सो इस तरह से एक पॉजिटिव मेमोरी एसोसिएट। दूसरा स्टॉक एक था कावेरी सीड्स करके, उसमें मैंने पैसा गमाया, कभी पैसा कमाया नहीं। या अभी ये करेंट स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर विच इज सेटिंग अ ब्यूटीफुल एस 200 MAs लाइन ऑफ, बट इन फर्टिलाइजर में ये जो स्टॉक है इसमें मैंने कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमाया, कावेरी हो चंबल हो इन सब, राइट। तो मेरा एक बैड मेमोरी एसोसिएटेड है, ठीक है।
तो हम लोगों के दिमाग में मेमोरीज होते हैं, और मेमोरीज सिर्फ आपकी अपने एक्सपीरियंस से नहीं होती, मेमोरी बहुत तरह की हो सकती है। आपने स्टॉक बाय किया, जल्दी बेच दिया तो मेमोरी होगी, आपने स्टॉक अच्छे से हैंडल किया तो मेमोरी होगी, आपने स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा तो मेमोरी होगी। बहुत किस्म से मेमोरीज होती हैं जो आपके दिमाग में होती है स्टॉक के बारे में। ठीक है, अब सिचुएशन क्या होती है कि जब एक स्टॉक स्टेज टू एडवांस में आता है, उसके साथ लोगों की मेमोरी एसोसिएट होती ओके है। ठीक है, जैसे बीपीएल जो था, वो लगभग रफली 12 साल तक उसने कुछ नहीं किया, इट वॉज अ चॉपी स्टॉक। वीकली चार्ट, और ये बीपीएल था 12 साल तक आफ्टर लिस्टिंग टिल 2017, जहां तक कि ये कोई भी कायदे का फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहा। बट जब ये पहली बार इसका कैरेक्टर चेंज हुआ, जब ये पहली बार ऊपर जाता है, इट शोज साइंस की ये टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, वी गॉट अ बेस हियर, ये एडवांस शुरू हुई ह्यूज वॉल्यूम पे, देन वी गॉट अ बेस, और फिर प्राइस सर्च करती है, इट सर्ज अप्रोक्सीमेटली 800%। 16 रुपए का स्टॉक था, 10x से ज्यादा हो गया। एक्चुअली ये 16 रुपए का नहीं था, ये स्प्लिट हो गया रिसेंटली, तो ये 16 रुपए का दिखता है, राइट। तो ये लगभग रफली 9x 10x तक का इसका सर्ज रहा, लेकिन उसके बाद जो ये डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन में भी वी विल बी एबल टू सी कि उसमें भी एक हम लोगों को लिनियरिटी दिखेगी इवन इन द डिक्लाइन, राइट। उसमें भी ये अपने एवरेजेस को फॉलो करेगा, ये स्टेजेस के कैरेक्टर शो करेगा, एंड अगेन जब वो सर्च करेगा वापस उसमें लिनियरिटी देखिए, एक बार उसने लिनियरिटी गेन कर ली तो वो लगातार उस हिसाब से वर्क करेगा, क्योंकि वो मार्केट उसको फॉलो कर रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एचईजी में एक बहुत हिस्टोरिक सर्ज आया था 2017, और वो सर्ज इसलिए आया था क्योंकि चाइना में कुछ फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, इस वजह से सर्ज आया था। बट स्टिल लोगों के दिमाग की जो मेमोरी थी, स्टॉक जब 5,000 से गिर के 1,500 पे आ गया, 2,000 पे आ गया, लोग मेरे पास आते थे और पूछते थे कि ये वापस कब पड़ेगा, इट वॉज अ वन ऑफ इवेंट। बट लोगों के दिमाग में एचईजी के उस रन की वजह से कई सारे एक्सपीरियंस और फीलिंग्स, ठीक है, कुछ के दिमाग में ये हो कि उन्होंने पूरा मूव मिस कर दिया, कुछ ने बाय किया बहुत जल्दी बेच दिया, कुछ ने बाय ही नहीं किया, कुछ ने बाय किया अच्छा राइड किया, और बहुत सारा यूफोरिया था, बहुत सारा इमोशन था, इस वजह से स्टॉक में एक लिनियरिटी आ गई पूरे मूव, ठीक है। स्टॉक जितने स्टेज टू के साइकिल के साथ जाता है, उतना ज्यादा वो लीनियर होता है विद टाइम, ठीक है, या जिसमें इंस्टीट्यूशन की एक्टिविटी होती है वो स्टॉक्स लीनियर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है लीनियरिटी का, जो मैंने देखा डीसीएक्स के केस में कि एक लीनियर डाउन है, इट टेल्स मी कि जब इसमें सही समय आएगा तो मेरे लिए इसमें अटेम्प्ट करने का चांस होगा। एंड एज यू नो, आप लोग जानते हैं मेरे ट्विटर हैंडल से कि आई डू नॉट फॉलो टू मच ऑफ, मतलब एटीएच थिंग मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। इनफैक्ट 3 सालों से आई एम, मतलब एटीएच के जो ड्रॉबैक्स है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं मेरे लिए, एटीएच एक नॉन फैक्टर है, आई डोंट पे टू मच अटेंशन टू एटीएच। मैं ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स ढूंढना चाहता हूँ जो बॉटम से रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। द रीजन इज, होता क्या है कि ग्रोथ स्टॉक एक डबल एज सोल्ड है, डबल एज सोल्ड ऐसे होता है कि यदि आप ग्रोथ स्टॉक को बहुत लेट बाय करेंगे, बिकॉज देयर इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्केट दैट प्राइस रिस्पॉन्स एवरीथिंग, ठीक है। तो यदि 3 क्वार्टर, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, आप मिनरविनी को पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, वो बोलेंगे 3 क्वार्टर ऑफ पॉजिटिव अर्निंग, 3 क्वार्टर ऑफ हाई अर्निंग्स ग्रोथ के बाद क्या होगा कि उसका जो अपसाइड है वो मेजोरिटी ऑफ अपसाइड ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका होगा, ट्रू बिकॉज इन्फॉर्मेशन मार्केट में 2 तरह का एज होता है, एक होता है मनी का एज यानी लिक्विडिटी का एज, और दूसरा होता है इन्फॉर्मेशन का एज, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रहा हूँ कि एक्स वाई जेड स्टॉक में कल 500% अर्निंग्स की ग्रोथ आने वाली है, राइट। विल यू एक्ट ऑन दिस इन्फॉर्मेशन टूडे, और आफ्टर जब अर्निंग्स पब्लिश हो जाएगी उसके बाद आप एक्ट करेंगे, कब एक्ट करेंगे, आज पहले अभी इसी बात मोमेंट एक्ट, करेंगे। हाँ हाँ क्योंकि जिस मोमेंट ये इन्फॉर्मेशन एज ये कॉमन नॉलेज हो गई, उस मोमेंट उसमें कोई अपसाइड नहीं बचेगा, कोई एडवांस एज नहीं बचेगा। तो हम लोग जो चार्ट देखते हैं, चार्ट को एक एडवांटेज क्यों होता है, जो एक फैक्टर है जो टेक्निकल एनालिसिस को एक एडवांटेज दे देता है फंडामेंटल पे या किसी भी अदर फॉर्म ऑफ एनालिसिस पे, वो है कि हम लोग यहाँ एक्शन की स्टडी कर रहे हैं। ये मार्केट ओपिनियन को वो कोई भाव नहीं देता है, मार्केट इज जस्ट फॉर कि ट्रांजेक्शन को करने का मैकेनिज्म है, वो ट्रांजेक्शन को इनेबल करता है, एक एक पर्सन बेचना चाहता है, दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन फैसिलिटेट करवाने के लिए मार्केट होता है।
मार्केट का कोई ओपिनियन वैल्यू के बारे में नहीं, ठीक है, मार्केट डजंट नो व्हाट इज वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को हम लोग समझते हैं बुल और बेयर समझते हैं, एंड दैट इज हाउ हम लोग पैसा रखते हैं मार्केट के तरह से, अपने वैल्यू के बारे में ओपिनियन के हिसाब से। तो हम लोगों को लगता है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलता है, मार्केट को वैल्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं, मार्केट को किसी ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं, मार्केट को सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है कि आप यदि ये ओपिनियन दे रहे कि स्टॉक निफ्टी 5,000 कल चला गया, मार्केट नहीं बोलेगा कि आप नहीं बोल सकते, वो बोलेगा कि आप अपने ओपिनियन से पैसा रखेंगे, जितना पैसा आप रखेंगे और जितना पैसा और लोग रखेंगे उसके बेसिस पे वो कंपैरिजन करेगा कि किस साइड पैसे का प्रेशर ज्यादा है, किस साइड ज्यादा पैसा रखा गया, उस डायरेक्शन में प्राइस मूव करेगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि देयर इज अ लिनियरिटी इन स्टॉक्स, आई वाज ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक एंड आई सॉ कि देयर इज अ स्लैंट जो कि कम हो रही है कंसिस्टेंट, प्राइस का जो डिक्लाइन है वो उतना शार्प नहीं है, इट इज गेटिंग रिड्यूसिंग सिस्टमैटिक, ठीक ओके, यस, है, गुड पॉइंट. और मैं इस स्लैंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ एंड आई वाज वेटिंग कि एक स्नाइपर की तरह, सबसे पहले मैं पीछे के कॉन्टेक्स्ट को बहुत देखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेजेंट इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन पास्ट बिकॉज ऑफ प्राइस डिस्काउंट्स द फ्यूचर, कोई भी पास्ट डेटा, वेदर इट इज नंबर, वेदर इट इज अ लॉट ऑफ अप ट्रेंड, वेदर इट इज हाई अर्निंग्स ग्रोथ, वेदर इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पास्ट कैश फ्लो, नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैट वॉट देन वॉट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट इज क्लोजर टू द फ्यूचर, राइट, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, पास्ट डिस्काउंटेड है, कल पावर विश ने 30,000 करोड़ के ऑर्डर का एक न्यूज आया। माय क्वेश्चन इज पावर विश करेंटली 1,000 करोड़ के आसपास का पर क्वार्टर सेल्स करता है, राइट, दैट इज रफली 4,000 करोड़ के आसपास का उसका एनुअल सेल्स, 30,000 करोड़ का सेल्स करने के लिए उसका उसके लिए मल्टी ईयर के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको, राइट, मेरा ये कहना है कि पास्ट के जो कैश फ्लोज हैं क्या वो उसके फ्यूचर के अर्निंग्स के बारे में कोई रेलेवेंस रखते क्या? 30,000 करोड़ का ऑर्डर, ये बिल्कुल न्यू न्यू एस्पेक्ट है, राइट, बहुत बड़ा गेम चेंज है, तो पास्ट में क्या हुआ दैट वोंट बी दैट मच इम्पोर्टेंट, फ्यूचर इज इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैं पीछे से कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ, स्टॉक के चेंज होते हुए डायनेमिक्स को देखता हूँ और ये देखता हूँ कि कहाँ वो पॉइंट आया जहाँ मुझे स्टॉक को ऑब्जर्वेशन की लिस्ट से निकाल के हाई प्रायोरिटी लिस्ट में रखनी है जहाँ क्लोज ऑब्जर्वेशन डालना है, एंड देन जब वो क्लोज ऑब्जर्वेशन में आ जाता है देन आई फोकस ऑन दोज एरिया जहाँ की मैं उस स्टॉक में, मतलब वो स्नाइपर की तरह का पॉइंट है कि आप उस राइट मोमेंट का वेट करते हैं जब आप ट्रिगर को प्रेस करें, राइट, सो आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक और मैं स्टॉक को महीनों ऑब्जर्व कर रहा हूँ टू टेक द ट्रेड ऑन वन डे, ठीक है, आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस, देन आई सॉ दैट यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट दिखाना चाहूँ, मैं ये जो बड़ी बड़ा वॉल्यूम आई एम एक्सक्लूडिंग दिस वॉल्यूम टू सी द रियल वॉल्यूम, राइट, ठीक है, सो वी आर सीइंग दैट लास्ट के 3 दिन से यहाँ पे हाई वॉल्यूम में प्राइस गिर रही है, ठीक है, लेकिन गिरावट नहीं आ रही, द प्राइस इज नॉट फॉलिंग, राइट, कॉलिंग. आई विल ड्रॉ अ सिंपल लाइन, एंड आई विल डू इट हियर एज वेल, ठीक है, जितने भी नीचे की तरफ जब भी प्राइस आती है लाइक मैं क्या करूँ, मैं सिंपल लाइन्स ड्रॉ करता रहूंगा और देखूंगा कि उस प्राइस से किस तरह से स्टॉक एक्ट कर रहा है, लाइक दिस हैड गॉन डाउन बाउंस बैक, आई विल सिंपली ड्रॉ लाइन, आई विल ऑब्जर्व कि इस लाइन से प्राइस किस तरह फ्यूचर में इंटरैक्ट, इट विल कीप ऑन गोइंग डाउन, राइट, बाउंस बैक अगेन, नाउ आई विल ड्रॉ लाइन अगेन, देन आई सॉ कि ये जो DCX की केस में मैंने ये देखा कि इट इज नॉट फॉलिंग वेरी फास्ट एंड इट प्रोड्यूस्ड अ शेकआउट, राइट, इट प्रोड्यूस्ड अ शेकआउट, नाउ द मोमेंट इट प्रोड्यूस्ड अ शेकआउट दैट इज वेयर आई विल ऑब्जर्व, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बुल और बेयर की स्ट्रेंथ का टेस्ट हो, ठीक है, आई वॉज ऑब्जर्विंग कि अर्लियर प्राइस जो थी वो 10-20 से कंसिस्टेंटली रिजेक्ट हो रही थी, बट इस बार ये 20 को ब्रीच करने की कोशिश कर रही है, रेट ऑफ डिसेंट इज गोइंग डाउन, इट प्रोड्यूस्ड अ शेकआउट एंड देन इस दौरान आई ट्वीटेड कि ये स्टॉक मेरे क्लोज ऑब्जर्वेशन है, आई वॉज ऑब्जर्विंग इट सिंस लॉन्ग, बट यहाँ पे इस दिन मैंने
ये ट्वीट किया था कि आई एम क्लोजली ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक, ठीक है, लिनियरिटी है, शेक आउट है एंड आई एम लुकिंग फॉर अ टर्न, ठीक, बट दैट डजंट मीन कि मैं इमीडिएटली इसी समय बाय कर रही हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि वो मेरे बॉटम के सेटअप के साथ क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि इमीडिएटली जिस मोमेंट बॉटम दिखा उसी मोमेंट बाय कर, उस मोमेंट बाय नहीं करना है, ट्रेंड को स्टार्ट होने दीजिए, फर्स्ट लेग जैसे ही स्विंग फर्स्ट स्विंग बनेगी हम लोग बाय कर लेंगे इमीडिएटली विद इन द बेस या कंसोलिडेशन बाय करने की जरूरत है, बिकॉज एज अ ट्रेडर वी नीड टू बी एफिशिएंट अबाउट द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी एज वेल, सही समय पे, समय ज्यादा खराब करेंगे तो अपॉर्चुनिटी खराब होगी, दूसरा ट्रेड उस दौरान आपके लिए पैसा जनरेट कर सकता है, तो देयर इज अ राइट मोमेंट व्हेन वी शुड बी एक्टिंग, इट डजंट मीन कि हम लोग सबसे पहले हों, दैट इज नॉट व्हाई व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग द सिचुएशन, जो मैंने आपको कहा कि हाई ग्रोथ स्टॉक इज अ डबल एज सो, राइट, क्योंकि जब वो हाई ग्रोथ पोस्ट कर रहा है वो ऑलरेडी ज्यादातर अर्निंग्स को डिस्काउंट कर चुका है, राइट, एंड देन स्लोली इट विल रिफ्यूज मूविंग अपवर्ड इवन ऑन पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव अर्निंग्स, वो रिफ्यूज करेगा के लिए, क्यों रिफ्यूज करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। लेकिन यदि इस मोमेंट में एक नेगेटिव न्यूज आ जाए, एक नेगेटिव न्यूज स्लाइट मिस, राइट, वो जो हाई हाई वैल्यूएशन होती है वो रिजल्ट होगी एक बहुत बड़े फॉल, डाउनसाइड पूरा ओपन है हाई ग्रोथ स्टॉक में और अपसाइड गैप है, वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में, ठीक है, गेटिंग द पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, नहीं, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में नहीं। लेकिन यदि अभी आप लॉरस लैब्स का चार्ट देखें, यू विल सी दैट देयर इज अ 90% डिक्लाइन इन अर्निंग्स बट द स्टॉक इज नॉट फॉलिंग, व्हाई, बिकॉज इट ऑलरेडी डिस्काउंटेड दैट, डिस्काउंटेड, या इट इज नॉट अ न्यू इन्फॉर्मेशन, राइट, वो 90% के डिक्लाइन को वो डिस्काउंट कर चुका है, तो अब यदि एक पॉजिटिव न्यूज आती है, एक ट्रिगर आता है, प्राइस ऊपर आराम से जाएगा लेकिन नेगेटिव न्यूज पे नीचे नहीं जाएगा, तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में, कि मेरे पास अनलिमिटेड अपसाइड है लेकिन लिमिटेड डाउन साइड है, बट दैट डजंट मीन कि मैं लॉरेंस में अभी से बैठ बाय करके बैठ रहा हूँ, आई विल वेट फॉर द फर्स्ट मोमेंट जब वो मुझे ट्रेंड का कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा, जब वो मुझे इम्पल्सिव करेक्टिव स्विंग्स दिखाएगा, वो एक ऑर्डरली पुल बैक दिखाएगा, ट्रेंड का बिहेवियर दिखाएगा, दिखाएगा कि मैं ऊपर जाने के लिए रेडी, देन आई विल टेक द ट्रेड, आई डोंट नीड अ बेस हियर, क्योंकि बेस का पर्पज सप्लाई का एब्जॉर्प्शन होता है, आई जस्ट नीड अ पुल बैक टू बाय, राइट। तो अगले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि स्टॉक इमीडिएटली मेरे ट्वीट करने के बाद वो 8% अप था, दैट वाज अ गुड कोइंसिडेंस, राइट, इसमें स्किल नहीं था, ये कोइंसिडेंस था, लोगों को बहुत फैसिनेटिंग लगा वो कि ट्वीट करते ही प्राइस ऊपर चली गई, बट इट वाज अ कोइंसिडेंस, राइट, बट आई वाज ऑब्जर्विंग द स्टॉक टू आइडेंटिफाई द एरिया जहां मैं इस स्टॉक को बाय कर सकूं, मैं चाहूं तो यहां भी बाय कर सकता हूं एज अ शेकआउट ट्रेडर, बट आई नीड टू आइडेंटिफाई द राइट एरिया टू बाय द स्टॉक, देन द स्टॉक स्टार्ट्स पुलिंग बैक, एक रेड कैंडल आया, राइट, एक रेड कैंडल आता है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मतलब जस्ट अ रैंडम रेड कैंडल, ऐसा नहीं होता, यदि इस स्टॉक को पूरा पर्याप्त पुल बैक नहीं मिला तो ये वापस रेड कैंडल फॉर्म करेगा, आई वाज ऑब्जर्विंग, एंड देन आई सॉ कि ये दोबारा रेड कैंडल दे रहा है, तो देयर इज सम सप्लाई व्हिच नीड्स एग्जॉस्टिंग, राइट, एंड नाउ दिस इज पुलिंग बैक, ठीक है। अब दो कैंडल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, नाउ नाउ दिस इज अ स्टेज जहां मैं बहुत माइन्यूट वर्क कर रहा हूँ, मैं इस स्टॉक को बार बाय बार एनालिसिस कर रहा हूँ, हर बार के साथ मेरा मेरे लिए एक्शन का पॉइंट आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि अब ये मेरी उंगली ट्रिगर पे एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू प्रेस द ट्रिगर, सो आई एम ऑब्जर्विंग दिस डिक्लाइन, फर्स्ट फर्स्ट कैंडल आया, इसमें कुछ खास नहीं, सेकेंड कैंडल नॉट अ फ्री डिक्लाइन, ठीक है, एक म्यूटेड डिक्लाइन, इट इज कमिंग एंड रेस्टिंग ऑन 50, एंड देन आई सॉ म्यूटेड व्हाइट कैंडल, म्यूटेड व्हाइट कैंडल दिस सजेस्ट कि ये प्राइस नीचे की तरफ नहीं जा रही, इट इज अ रीअसेसमेंट एरिया जहां बुल और बेयर अपना रीअसेसमेंट करेंगे कि कितनी सेलिंग और आ, राइट, आई एम स्टिल वेटिंग, आई सॉ ब्रेक डाउन, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम, हल्का सा शेकआउट प्रोड्यूस कर, आई एम स्टिल ऑब्जर्विंग द स्टॉक, नेक्स्ट कैंडल अनदर लेग ऑफ ब्रेक डाउन, नाउ द सिचुएशन इज द प्राइस इज रेस्टिंग एट 20 पीरियड एवरेज, आई एम सीइंग अ शेकआउट हियर बिलो दिस लेवल, एंड आई एम सीइंग दैट द प्राइस इज मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड प्री डिक्लाइन मुझे यहाँ पे मिला, सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट कॉल्ड एंटिसिपेटिव एंड रिएक्टिव टेक्निकल, रिएक्टिव टेक्निकल एनालिसिस इज एक्टिंग आफ्टर समथिंग हैपेंड, ठीक है,
और एंटिसिपेटिंग, यदि मैं इस प्राइस के नीचे जाने का एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि नीचे जाएगा, करेंटली मेरे पास दो तीन क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन. यदि मेरे पास कोई एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है, चलिए प्राइस शेकआउट प्रोड्यूस करे, आई विल आस्क कि क्या मैं उस एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करूंगा, क्या मुझे उसमें प्रोएक्टिवली रिस्क मैनेज करना चाहिए या मुझे उसमें कूल माइंड से बैठे रहना. एग्जिस्टिंग प्लान, मेरे पास करेंटली कोई पोजिशन, तो मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि क्या ये शेकआउट मेरा जो राइट स्टॉक बायस था जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या ये उस राइट स्टॉक बायस को थ्रेटन कर रहा है. आई सॉ ये राइट स्टॉक बायस को थ्रेटन नहीं कर रहा, और दूसरा पॉइंट कि क्या यदि मैं इसे डाउनसाइड में ट्रेड करता हूँ तो इंडियन मार्केट सपोर्टिव भी नहीं कि मैं शॉर्ट कर सकूँ इस स्टॉक को. फ्यूचर्स में नहीं है तो सिर्फ इंट्राडे आप शॉर्ट कर सकते. सो एनी वे हम लोग वहां पे हैंडीकैप में नीचे ट्रेड नहीं कर सकते स्टॉक. तो द ओनली सिचुएशन दैट इज लेफ्ट विथ मी वो ये कि शेकआउट को मैं रिवर्स होने पे ट्रेड करूँ, राइट. इसको एज अ शेकआउट है एक्सपेक्ट करें, ठीक है. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे स्टॉक नीचे भी जा सकता है, एब्सोल्युटली ये नीचे जा सकता है, लेकिन नीचे जाएगा तो मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी, और एंट्री नहीं मिलेगी तो मेरे पास कुछ कमाने के लिए, राइट. तो मैंने देखा कि ये मेरे राइट स्टॉक बायस को थ्रेटन नहीं कर रहा, आई सिंपली पुट एन एंट्री ऑर्डर हियर इस कैंडल के अबव. ओके ओके Then the price turned on the next candle and I got the entry. I put a stop loss below this level. ग्रेट This ग्रेट turn, right? ग्रेट So I got this entry. Next day, ये stock एक बड़ा candle बना है, but what you are unable to see in this बड़ा candle, right? It is कि stock इस level को breach करने से पहले it was muted, right? Below this level. So I placed my second entry here. एंड आई स्केल्ड अप माई साइज, और इस दो पोजिशन में मेरी साइज रफली 30% के आसपास, 25-30% के बीच में, ठीक है. बिकॉज आई एम टेकिंग टाइट स्टॉप लॉसेस, सो मैं इसके नीचे पहला मेरा स्टॉप लॉस था 2-2.5% का ही अंतर था, और ये जो सेकेंड ट्रेड लिया था इसमें भी मैंने बहुत ज्यादा एग्रेसिव स्टॉप लॉस मैनेजमेंट किया, एंड आई पुट इट बिलो दिस कैंडल इटसेल्फ, राइट. तो दो दो ट्रेड के अंदर आई प्रोड्यूस इनफ साइज दैट आई नीडेड विदाउट टेकिंग ह्यूज रिस्क, राइट. नाउ अब मेरे लिए इसमें टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं. मैं मुझे यदि स्टॉप लॉस लगता है आई विल एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस, मुझे कोई टेंशन नहीं. देन आई सॉ कि प्राइस जो है इट इज रनिंग इन अ म्यूटेड, अनदर पुल बैक आ रहा है. यदि मुझे और पोजीशन लेनी होगी आई विल अगेन गो टू बार 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 एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई एरियाज जहां से मैं एंट्री कर सकता, ठीक है. बट करेंटली मुझे और लेनी नहीं थी बिकॉज आई ऑलरेडी हैड इट, ठीक है. और स्टॉक थोड़ा वर्क करेगा देन आई विल लुक फॉर एडिंग मोर. तो यहाँ पे वापस एक म्यूटेड डे आ रहा है, राइट. देन दिस स्टॉक प्रोड्यूस्ड अनदर शेक. तो यदि मुझे यहाँ पे पोजीशन लेनी होती आई विल ऑब्जर्व कि शेकआउट के बिलो स्टॉक ऐसा कर रहा है. इस शेकआउट के बिलो मैं ये देखता है ये 50 पे आ रहा है, सो इट इज थ्रेटनिंग 50 राइट नाउ. अनदर लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस था इसका, वैसे लास्ट पॉइंट ऑफ डिफेंस यहाँ पे आ रहा है. आई विल लुक फॉर अ ट्रेड ऑन द टर्न. तो यहाँ अगेन तीन क्वेश्चन है मेरे पास, क्या मेरे पास एग्जिस्टिंग पोजिशन है जिसको लेके मुझे कुछ करने की जरूरत है, अपने पोजिशन को रिड्यूस करने की जरूरत है, पोजिशन को बढ़ाने की जरूरत है, या मुझे अपने स्टॉप लॉस को टाइट या लूज करना है. आई सॉ कि यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं बिकॉज इट वॉज अ पोजिशनल ट्रेड, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग. मेरा अभी भी ब्रेक इवन के अबव है, ठीक है. एंड आई एम मोर विलिंग टू एक्सेप्ट द लॉस इन दिस केस रादर देन अपॉर्चुनिटी को चॉप करके, ठीक है. नीचे की तरफ शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी एनी वे नहीं है, लेकिन मैं लॉन्ग कर सकता था यदि ये टर्न होता, बट मेरे पास ऑलरेडी सफिशियंट साइज था, सो आई डिडंट, मुझे जरूरत नहीं थी कि मैं लॉन्ग करूँ, अदरवाइज मेरी लॉन्ग एंट्री यहाँ पे फिल हो जाती इसके नीचे स्टॉप, एंड देन इट मूव बैक अपवर्ड, राइट. देन इट पुल्ड बैक अगेन, फिर अपवर्ड थोड़ा जाता है, इट रिमेन शॉपी बहुत ज्यादा. ये सब अनदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है. सो मैं जनरली कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने फर्स्ट पोजीशन के आसपास अपने लिए सफिशियंट साइज डेवलप कर लूँ, दो तीन एंट्री रादर देन बाइंग वेरी लेट इन टू द स्टॉक, राइट. क्योंकि लेट होने से क्या होता है, सप्लाई बन जाती है अंडर द स्टॉक. फिर गो, तो अब हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस आराम से ऊपर जा रही है, प्रोड्यूस्ड गुड रिटर्न फॉर मी.
आई एम स्टिल होल्डिंग द एंटायर क्वांटिटी, कोई जरूरत नहीं बस उसे मुझे बेचूं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी और एड की, दैट वाज रफली 5% अप्रोक्सीमेटली, तो करेंट साइज मेरे पोर्टफोलियो पे 35% के आसपास का, ठीक ओके 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 है। सो मेनी पीपल थिंक सेलिंग इन टू वीकनेस के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये कि काफी लोग सोचते हैं कि यहाँ पे जब है तो हम लोगों का स्टॉप लॉस 30% डाउन आ गया, ऐसा नहीं होता। बहुत रेयर केसेस में वी शेप रिवर्सल होता है, राइट। ज्यादातर नुकसान होता है वो टाइम ड्रॉप, ठीक है, ये टाइम खराब करता है, विच इट इज डूइंग राइट नाउ। बट स्टॉक जो समय खराब करता है उसके साथ एक दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये इसी प्रपोर्शन में रिटर्न प्रोड्यूस कर देता है जब ये वापस अपना निचले स्टार्ट करता है, तो जो टाइम इसने कंज्यूम किया वो व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम समय में बहुत बड़ा साइज प्रोड्यूस, बहुत बड़ा रिटर्न प्रोड्यूस करता है, राइट। सो आई गॉट माई नेक्स्ट एंट्री हियर विच वॉज रफली 5%, जस्ट एडिशन करने के लिए एडिशन कर रही थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एडिशन, एंड देन इट मेड अ म्यूटेड काइंड ऑफ हैंडल जैसा सिस्टम, देन इट अगेन बाउंस्ड बैक, और भी तरीके से इसको अप्रोच करा, इट वॉज नॉट अ वेरी नाइस अप्रोच, ये ट्रेड यहाँ पे फेल होता है, इस ब्रेकआउट ब्रेकआउट फेल होता है, रेड कैंडल बेयरिश बना रहा है। आई डोंट नीड टू बॉदर क्योंकि मैं बहुत सारे प्रॉफिट पे बैठा हूँ इस स्टॉक में, तो मुझे बॉदर करने की कोई जरूरत नहीं है इस स्टॉक के बारे में कि ये क्या कर रहा है, आई एम एट अ डिसेंट, राइट। तो उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि प्राइस वापस से टर्न होती है, इट इज अप्रोचिंग अगेन अगेन नीचे से बॉटम से अप्रोच करे, अगेन फेल हो रही, तो करेंटली स्टॉक का कैरेक्टर नॉट वन ऑफ द बेस्ट है जिस तरह ये अप्रोच कर रहा है, बट आई होप कि ये एक दो दिन में ब्रेकआउट करेगा तो करेगा, अदरवाइज इट विल फेल, राइट। एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विथ इट फेलिंग क्योंकि 50 काफी कैच कर चुका है, आई विल रिटेन मोस्ट ऑफ माई प्रॉफिट, तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी सिचुएशन में, राइट। सो आई विल एक्सिट, आई फील ये अभी भी एक नई एंट्री देगा ना आपको, जिस हिसाब से ये सेट हो रहा है, इफ यू आर प्लानिंग टू एट अभी की जैसे सेटअप लग रहा है. सो इट इज लुकिंग अ बिट वीक टू मी, एंड इट इज ओके लुकिंग दैट इट इज अटेम्प्टिंग ब्रेकआउट इन अ प्री मेच्योर फैशन अगेन, एंड ओके यहाँ पे ओके क्या था कि इट वाज नॉट अ फ्री मूवमेंट, इट वाज वेरी चॉपी काइंड ऑफ मूवमेंट जिसके साथ ये इसको अप्रोच कर रहा था, एंड आई इवन रॉट ऑन ट्विटर कि ये फेल होगा, एंड इट एक्चुअली फेल्ड आफ्टर वर्ड्स, राइट। उसके बाद फिर यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये सीधे बॉटम से ऊपर अप्रोच कर रहा है, विच इज एनी वे वो सक्सीड नहीं हुआ बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग सप्लाई क्लस्टर, यहाँ ये स्टॉक थोड़ा ठीक था बट इट इज स्टिल, पूरा कैरेक्टरिस्टिक इज स्टिल नॉट गुड, सो रादर देन यदि मुझे ऐड करना भी होगा, मैं राइट अवे यहाँ ऐड करने के बजाय आई विल वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक टू बाय अबव दिस स्पेस, ठीक है। सो इट इज ऑलवेज क्या होता है कि आप जैसा सिचुएशन देखते हैं उस हिसाब से जरा से ज्यादा कंफर्मेशन में चले जाते हैं या थोड़ा सा रिस्क टेकिंग में चले जाते हैं, जब आप ज्यादा रिस्क टेकिंग में आ जाते हैं जब आपके पास अदर बायस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जब आप ज्यादा मतलब कंफर्म बाइंग करना चाह रहे हैं तो वो उस स्थिति में जब आपके पास अदर जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बहुत सपोर्ट नहीं कर रहा है, तब फिर आप थोड़ा कंफर्म बाइंग करना चाहते हैं, सो इट इज ऑलवेज अबाउट एडजस्टमेंट। ट्रेडिंग एक आर्ट है या बेटर से इट इज अ क्राफ्ट, इसको कोई सिखा या सीख नहीं सकते, इसको हमेशा प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन से हम लोग लगातार इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रू राइट। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग इसमें लगातार मतलब दीज आर नॉट रूल्स जिसको कि मैं डिफाइन कर सकूं और कोई दूसरा समझ सके कि मेरे दिमाग में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लेनेबल नहीं, राइट। इट इज ऑलवेज अबाउट इट इज समथिंग जो कि फील और इंट्यूशन से ड्रिवन होता है, जब आप प्राइस बिहेवियर को समझते, प्राइस एक्शन और प्राइस बिहेवियर का अंतर क्या, प्राइस एक्शन इज रूल ओरिएंटेड, इट इज ट्राइंग टू मेक अ सब्जेक्ट जो कि बहुत सब्जेक्टिव है उसको वो करना चाहता है ऑब्जेक्टिव रूल्स में ढालना चाहता है, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तो इट इज अ रिवर्स, राइट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इट इज ऑलवेज अबाउट एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसमें मार्केट हो सकता है, न्यूज हो सकता है, अर्निंग्स हो सकती है, बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है, उससे रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, आप जितना एनालिसिस में जितने ज्यादा कॉन्टेक्स्ट को मर्ज करेंगे, जितने ज्यादा पॉइंट्स को मर्ज करेंगे, उतना मल्टी डायमेंशनल आपका थॉट प्रोसेस होगा, एंड द मोर रियलिस्टिक योर एनालिसिस विल बिकम, इट इज नॉट अबाउट अ प्राइस क्रॉसिंग एनी सर्टेन लाइन विल कॉज सम काइंड ऑफ डूम से, ऐसा नहीं होता इस, तो इस स्टॉक की एनालिसिस इस तरह की थी, इट इज अ वेरी मतलब बहुत रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों ने की थी कि डीसी इसके ट्रेड को एक्सप्लेन की, अभी करेंटली जैसे 200 MA लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की काफी ट्रेड्स जैसे मिले, तो अभी भी एक ट्रेड को लेके बहुत चर्चा हो रही थी, दैट वाज मैनकाइंड, तो मेरे पास मैनकाइंड बहुत लोअर लेवल से एज एन आईपीओ बेस था, मैंने यहाँ से इस स्टॉक को बाय किया था इस पॉइंट से, राइट इस टाइट एरिया के, तो
तो मेरे साथ और कुछ लोग थे जो इस स्टॉक को ट्रेड कर रहे थे, उन्होंने स्टॉक्स को बेच भी दिया आफ्टर दिस 20 के ब्रेक के बाद, बट दिस इज एग्जैक्टली द फॉल्ट जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जब मैंने आईपीओ बेस की स्ट्रेटजी पब्लिश की तो बहुत सारे लोगों ने सेटअप ले लिया लेकिन उसके रूल्स नहीं लिए, उसका थॉट प्रोसेस नहीं लिया कि उसको होल्ड कैसे करो, राइट। आईपीओ बेस का सारा गेम उसको होल्ड कर उसके ट्रेड मैनेज, ठीक है। जो ट्रेड सही से मैनेज नहीं करते हैं वो लगातार प्रॉफिटेबल पोजीशंस लूज करते हैं, जैसे यहाँ पे 20 पे बेच के लोग प्रॉफिटेबल पोजीशंस लूज करते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ट्रेड होते हैं या वो जो ट्रेड्स होते हैं जो हम लोग पोजिशनल लेते हैं उसमें सिर्फ दो फैक्टर पे ध्यान देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इनफ साइज लेना और स्टॉक को पेशेंसली होल्ड, ठीक है। यहाँ पे साइज इनफ थी बिकॉज ये काफी टाइट एरिया था, अनदर पोजिशन आई वुड हैव एडेड हियर लेकिन ये थोड़ा सा वाइड हो रहा था, अदरवाइज आई वुड हैव एडेड, बट यहाँ पे मेरी एक अच्छी खासी बड़ी साइज थी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा हाइब्रिड की तरह इंटर किया था इस स्टॉक को बिकॉज ऑफ दिस टाइप। उसके बाद मैं इस स्टॉक को होल्ड कर रहा था, यहाँ पे गैप अप आया, गैप फॉर्मेशन है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ ग्रेट एंट्री, तो यहाँ पे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की तरह हम लोग गैप्स को ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अनदर एंट्री, ठीक है, दिस वॉज माई थर्ड एंट्री इन टू दिस स्टॉक एंड देन द स्टॉक स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड अपवर्ड विच। सो एक्चुअली हुआ ऐसा कि ये ट्यूसडे का दिन था जब मैं और मेरा एक स्टूडेंट भी वी वेर डिस्कसिंग अबाउट दिस स्टॉक, ये कैसे एक अपवर्ड विज बनाता है विच इज अ वेरी पॉपुलर शो, लैक ऑफ इज ऑफ मूवमेंट की प्राइस ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पा रही है, एंड देन नेक्स्ट डे इसमें फॉल आता है, फॉल आई तो ये नीचे 20 को ब्रेक कर रहा था एंड इट वॉज लुकिंग लाइक अ अच्छा खासा फॉल है वैसा लग रहा था। बट कोई भी आईपीओ बेस का की फैक्टर है कि इसको कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, अच्छा जितना हम लोग ट्रेड को छेड़ेंगे उतना ज्यादा नुकसान है, ठीक ओके है। तो यहाँ मैंने इस स्टॉक को पेशेंस से होल्ड किया, मैंने ये पेशेंस रखा कि मैं इसको यदि 50 तक आता है तो मैं लॉस लेना प्रेफर करूंगा, मतलब लॉस तो नहीं होना है किसी भी सूरत, कहने का मतलब है कि मैं अपने प्रॉफिट को एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को गंवाना पसंद करूंगा रैदर देन टॉकिंग द ट्रेड इन 50 के नीचे, आई विल वेट फॉर अ ब्रेक एंड देन आई विल सेल द स्टॉक। दिस इज द वे आई मैनेज्ड ऑल माय बिगिनर्स जो भी आईपीओ में आया सारे को मैं इसी तरह से मैनेज करता हूँ एंड इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ रिटर्न। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि सेटअप हर आदमी सेम देख रहा है, सेटअप से पैसा नहीं बनता, यदि सेटअप से पैसा बनता तो सेटअप वाली बुक्स जो होती वो पैसा बनाने का सबसे इजी जरिया होता है, कोई भी बुक पढ़ के और पैसा बना, पैसा बनता है बाय हैविंग पेशेंस, प्योर ट्रेंड फॉलोइंग जो होती है जो हम लोगों की क्लासिक बुक्स में बताई गई प्योर ट्रेंड, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, राइट, वो ज्यादा पैसा कमा रहे, साइंस प्लस परसेंटेज मूव जो आपके फेवर में आ रहा है उसके सिवा और कोई भी चीज इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं अपनी ट्रेडिंग में से लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए सिर्फ उतना है उतना बेयर मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट विच प्रिवेंट्स रिस्क ऑफ रूइन फॉर, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, राइट। उसके सिवा मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट कुछ भी नहीं, लोग बोलते हैं ये प्रोग्रेसिव एक्सपोजर यूज करो, वो वहां पे डिरिस्क करो, 3R पे चला जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, 20% अप हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, 25% अप हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लो, मैं इस समय से कुछ भी फॉलो नहीं कर, ठीक है। मेरा एज अ रिस्क मैनेजर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा अकाउंट ब्लो नहीं होना चाहिए, राइट, एंड आई विल प्रिवेंट रिस्क ऑफ एट ऑल कॉस्ट। उसके सिवा बड़ा रिस्क छोटा रिस्क दैट इज ऑल जो कि हम लोगों के दिमाग में रिस्क, ठीक है। ट्रेडिंग इज नॉट द रिस्कीएस्ट बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि यदि अभी मैं एक फैक्ट्री लगाने के लिए जाता हूँ, राइट, यदि उसमें 5 करोड़ रुपए लगने हैं, मैं 4 करोड़ लगा के उस फैक्ट्री को ऑपरेशनल नहीं कर सकता हूँ, 2 मशीन कम खरीद के फैक्ट्री ऑपरेशनल नहीं होती, मुझे 5 के 5 लगाने पड़ेंगे, राइट। यहाँ 50,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 50 लाख से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 5 लाख से ट्रेडिंग कर सकते हैं, वेरी यू सही डोंट नीड टू पुट एवरीथिंग दैट यू किया। हैव इन टू अ बिजनेस। दूसरा, ट्रेडिंग के अंदर आप अपना मन मुताबिक लॉस लेके निकल सकते हैं, फैक्ट्री में आपको फ्लक्चुएट होता हुआ नहीं दिखता है प्राइस, लेकिन जब फैक्ट्री नहीं चलेगी और आपको उस फैक्ट्री को क्लोज करना होगा, लिक्विडेट करना होगा अपने एसेट को, आपको 2-2.5-3 करोड़ का लॉस डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि मशीन जो है वो आधे कॉस्ट पे बिकेगी, माल डिस्काउंट पे बिकेगा और आपको आधा पैसा आपका साफ हो गया, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज द प्राइस सीम्स फ्लक्चुएटिंग बिफोर योर स्क्रीन और आपके मन में वो एक उत्तेजना पैदा करती है, राइट, एक एक्साइटमेंट पैदा करती है, दैट डजंट मीन कि वो सबसे रिस्कीएस्ट रूट है, इट इज नॉट द रिस्कीएस्ट रूट।
इट इज वेरी लेस रिस्की बिजनेस कंपैरेटिव जो बिजनेस अदर हो सकते हैं उसके कंपैरेटिव, राइट। तो द पॉइंट इज, और इस दुनिया में हर चीज रिस्की है। जो नहीं समझते, आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि छुरी मत, उसके साथ कुछ मत करो, राइट, आग के पास मत जाओ, आप बोलेंगे कि गाड़ी मत चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी से उसको बचा कर नहीं पाए, बिकॉज ही डजंट नो एनीथिंग, राइट। बट आप तो अपने डेली लाइफ में सारी चीजों का यूज करें, तो रिस्क कहाँ नहीं है। कार चलाना कितना रिस्की है, राइट, लेकिन जो जानता है कार चलाना उसके लिए रिस्की नहीं, उसके लिए रिस्की है जो नहीं जानता है। लेकिन जो जानता है कार चलाना, उसको मैं यदि एक बोइंग दे दूं तो वो उसको कभी नहीं उड़ा सकेगा, और बोइंग दे दो विथ 150 पैसेंजर्स तो और भी नहीं उड़ा सकेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, अपने पैसेंजर्स की, अपने जान की भी, राइट। इट इज अबाउट, लेकिन कोई आदमी रोज बोइंग उड़ा रहा है, राइट, उसके लिए वो रिस्क बिल्कुल मैनेजेबल है, वो उसके लिए ट्रेंड है, वो उसकी उसने प्रैक्टिस की हुई है, वो उस रिस्क को समझ रहा है। तो रिस्क जो है वो हमेशा प्रोपोर्शन में होता है। देर इज अ ब्यूटिफुल डायलॉग इन मूवी जुरासिक पार्क में, जिसमें कि दे क्रिएटेड अ डायनासोर विच वॉज वेरी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव था। सो द ओनर ऑफ द लैब केम एंड से द साइंटिस्ट की है, तुमने राक्षस बनाया, राइट। तो साइंटिस्ट बोलता है कि राक्षस जो है ये एक रिलेटिव टर्म है, राइट। तो एक पिजन के लिए, एक चिड़िया के लिए, एक बिल्ली एक राक्षस, राइट। तो वही पॉइंट है कि जो नहीं समझता है उसके लिए छोटी सी चीज भी बहुत बड़ी रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन जो समझता है उसके लिए कोई भी चीज रिस्क है, राइट। दैट इज द डिफरेंस। तो मेरा मेरा रिस्क मैनेजमेंट उतना ही कि मैं सिर्फ रिस्क ऑफ लॉस को, रिस्क ऑफ रूइन को प्रिवेंट करता, उससे ज्यादा मैं एक्सेसिव रिस्क मैनेजमेंट पे बिल्कुल भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट हमेशा कॉस्ट के साथ आता है, कॉस्ट है रिवॉर्ड के साथ। ब्रिलियंट तो मैंने कुछ ब्रिलियंट दिन पहले एक ट्वीट किया था कि मैं किसी के साथ भी कंपैरिजन में नहीं हूँ, खुद के साथ भी कंपैरिजन में नहीं, पर कुछ पीरियड्स ऐसे होंगे जब मैं मार्केट को बहुत ज्यादा वाइड मार्जिन से अंडर परफॉर्म करूंगा, और कुछ पीरियड्स ऐसे होंगे जब मैं मार्केट को बहुत ज्यादा वाइड मार्जिन से आउट परफॉर्म करूंगा। ओके बिकॉज द रोड ऑफ वेल्थ जो है, कोई भी सोशल मीडिया के अप्रिशिएशन से ज्यादा मेरे लिए वेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरे बिजनेस का आउटकम इम्पोर्टेंट है। कितने दुकान चलाने वाले सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं कि इस दिवाली हम लोगों ने इतने करोड़ का सेल्स किया, कोई नहीं करता। बट इन ट्रेडिंग इज अ बिजनेस जो कि शो ऑफ का बिजनेस है, जिसको लोनली बिजनेस होना चाहिए था, वो शो ऑफ का बिजनेस, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ हर चीज लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे कैसी देखी जाएगी, तो वो चाहते हैं पोस्ट करना कि हम लोग सिर्फ सक्सेस पोस्ट करें, हम लोग सिर्फ हैप्पीनेस पोस्ट करें, और इसका एक अनड्यू प्रेशर है जो कि लोगों पे आता है। इसलिए मैं अपनी कोई ट्रेड्स पोस्ट नहीं करता, क्योंकि ट्रेड्स में क्रेडिट, सक्सेस का क्रेडिट मेरा नहीं, क्योंकि फेलियर जो है उस वो मेरे हाथ में है। जब फेलियर मेरे हाथ में है, तो सक्सेस का क्रेडिट मैं कैसे ले, है ना। जब फेलियर के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिस्क मैनेज कर सकता हूँ फेलियर के केस में, तो सक्सेस भी तो मेरे हाथ में, आई एम जस्ट समवन हु इज एग्जीक्यूटिव, उसके सिवा मेरा कोई रोल, राइट। तो इसलिए मेरा कहने का पॉइंट यही है कि रादर देन बीइंग अप्रिशिएटेड बाय पब्लिक, ठीक है, आई विल लाइक टू बी अप्रिशिएटेड बाय माय पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो पे जो रिचनेस का पाथ है, यदि आप कुल्ला मैगी का देखेंगे, वो कभी भी क्लियर इससे नहीं आता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ आपको अनयूजुअल करना पड़ता है। देयर विल बी पीरियड्स जब आप बहुत डाउन होंगे, एंड देयर विल बी पीरियड्स जब आप बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करें, दोनों चीजें होंगी। बट ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन दैट विल मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से जो इस किस्म के ट्रेड्स होते हैं, उसमें हम लोगों को ट्रेड्स को अपने सफिशियंट टाइम देना चाहिए। कई बार पीरियड्स ऐसे होते हैं जब 2-3 महीने तक ट्रेड कुछ नहीं करता है, एंड देन इट शूट्स अप एंड इट रीचेस टू द स्काईज। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक ट्रेड ऐसा था, जहां से पेशेंस रखने की वजह से उसने बहुत रिटर्न प्रोड्यूस ऐसा किया एट अ बना लेटर स्टेज, 2-3 महीने तक वेट करवाने के बाद। तो हमेशा एक प्रोसेस फॉलो कीजिए, वो ज्यादा बेटर है रैदर देन बहुत ज्यादा डिस्क्रिशन के, खासतौर से ट्रेड मैनेजमेंट के पार्ट। सो नाउ आई विल शेयर सम लेसन अबाउट 200 MA एज लाइन ऑफ रेजिस्टेंस का जो मेरा कंसेप्ट था। तो ये एक्चुअली शुरू हुआ था 2020 में नवंबर, राइट। तो 2020 में नवंबर में ऐसा हुआ था कि मैं स्टॉक्स को देख रहा था, एक स्टॉक था अंबिका कॉटन, राइट, एंड इट वाज वर्किंग इन अ पर्टिकुलर वे।
ये स्टॉक अपने 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे बिल्कुल टाइट हुआ हुआ था। ये वो फेज था जबकि हर आदमी ETH पे स्टॉक बाय करना चाहता था और उसका मानना था स्टेज फोर का बहुत सारा ओवरहेड सप्लाई है जो कि यहाँ पे बैठा रहेगा और वो स्टॉक को चढ़ने देगा। सो आई सॉ दिस कि ये स्टॉक 100 पे टाइट हो रहा है, पर्टिकुलर वे में टाइट हो रहा है। एंड 2020 के नवंबर में, 5 नवंबर से लेकर के 21 दिसंबर के फॉल से पहले तुलसी के मार्केट में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया। लगभग हर स्टॉक 5 नवंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक बहुत सारे स्टॉक में बहुत बड़ा ब्रेकआउट। ओवरऑल मार्केट काफी अप था, ये मार्केट रेट शीट से भी विजिबल है और भी चार्ट्स पे भी विजिबल होगा, ठीक है। तो इस दौरान हम लोगों ने ये देखा कि ये इस तरह बिहेव कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स वेयर बिहेविंग इन द सिमिलर फैशन, ठीक है। जैसे एक दूसरा स्टॉक इसी के साथ मैंने देखा, दैट वाज रैमकी इंफ्रा। इट वाज द सेकेंड स्टॉक दैट आई सॉ ड्यूरिंग दिस वीक, ठीक है। अगेन वही ऑर्डरली है एंड इट प्रोड्यूस्ड अ लो बाउंस बैक टू द 200 में मूविंग एवरेज एंड देन इट वाज टाइटनिंग एट द 200 पे। तो मैंने इस स्टॉक को देखा और अंबिका कॉटन को देखा और इससे ये कंसेप्ट शुरू हुआ था 200 MA एज अ पिवोटल। तो मैंने देखा के बॉटम के अलावा जो स्प्रिंग फॉर्मेशन है, जो SLPS का बॉटम होता है शेकआउट वाला, जैसा DCX में मैंने दिखाया था, इट वाज नॉट एन एप्ट एग्जांपल क्योंकि स्टेज वन और बड़ा हो सकता था, बट देयर वाज एन IPO। IPO में उतने ज्यादा रूल्स क्लासिक वाले अप्लाई नहीं होते, वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये दूसरा इकलौता दूसरा टाइप ऑफ बॉटम है जो जनरली बहुत ज्यादा विजिबल है, ठीक है। जैसे क्लाइमेटिक फॉल देते हैं, कुछ केसेस में क्लाइमेटिक फॉल नहीं भी देती, वो एक लो बनाती, लो से के बाद वो एक हाई बनाती, हाई बनाती वो किसी मूविंग एवरेज के आसपास वो टाइट होना शुरू करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर बिहेवियर जो बहुत ही खूबसूरत बिहेवियर होता है, बहुत लीनियर बिहेवियर। जब इस 200 पीरियड एवरेज का ब्रेकआउट होगा उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे वो एरिया जहाँ के हम लोग इस स्टॉक को एंटर कर सकते हैं एंड वी विल होल्ड इट विथ पेशेंस, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को इसको स्टॉक को छेड़ना नहीं, कीप ऑन होल्डिंग इट पेशेंस और इसको अपना काम करने। तो करेंटली भी बहुत सारे सेटअप, क्योंकि उस समय 2020 में मैंने फिर पूरे मार्केट को स्कैन किया, मुझे बहुत सारे सेटअप्स मिले जिसमें सेम बिहेवियर मुझे देखने के लिए मिला। तो मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि इट इज अ रिपीटेबल बिहेवियर जिसके बेसिस पे एक स्ट्रेटजी बन सकती है। तो इवन उसके बाद फिर अभी जब 2023 आया, बेयर मार्केट से वापस स्टॉक्स अप्रैल में आ रहे, यू विल स्टिल ऑब्जर्व द सेम टू टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बिरला सॉफ्टवेयर का चार्ट है, मैस्टिक का चार्ट है, उसमें ज्यादा वाइक ऑफ वाला बिहेवियर दिखेगा। अभी जैसे एक थीम चल रही है दैट इज ऑफ इनर वियर, राइट। तो इनर वियर में ऐसा हुआ कि लवेबल नाम का ये स्टॉक है, प्रोड्यूस्ड एंड अर्निंग्स गैप अप इंडेक्स 26 जुलाई, ठीक है। तो आइडेंटिफाइड की इनर वियर के और कौन से स्टॉक्स हैं, तो डॉलर मुझे मिला, राइट, लक्स, पेज, रूपा, ये सब। तो आई ट्राई टू आइडेंटिफाई कि इसकी कौन से सिस्टर कंपनीज हैं जो कि एक जैसा प्राइस के प्राइस में बिहेवियर है। तो पेज वॉज एन एक्सेप्शन क्योंकि इसका बिहेवियर जो था वो उसके सिंक में नहीं था, इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर अदर स्टॉक्स जो कि इनर वियर। लेकिन यदि हम लोग अदर स्टॉक्स जो भी पेज को छोड़ के उनको देखें तो वो सारे एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन बना रहे, एक डिक्लाइन स्टेज 4, राइट। स्टेज फोर के बाद नीचे आते हैं, नीचे से एक रैली प्रोड्यूस करता है, यहाँ से एक वर्टिकल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ और देख रहा हूँ कि ये 200 पे आके टाइट होता है एंड देन इट इनगल्फ 200। लक्स इंडस्ट्री सेम पॉइंट, 200 से टाइट होकर ब्रेकआउट, रूपा द सेम पॉइंट, ठीक है। इन सब में हम लोग क्या ऑब्जर्व करें, एक किस्म का ये बॉटम है, कभी यहाँ शेकआउट आके फिर रिवर्स होगा, इस तरह का बॉटम 200 पे टाइटेन होगा एंड देन इट विल इंगल्फ 200। उसके बाद जो भी फर्स्ट पुल बैक आता है यू कैन बाय, एक बार इंपल्सिव करेक्टिव का कैरेक्टर आ जाए, फर्स्ट पुल बैक आ जाए, जस्ट बाय इट, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट होल्ड इट विथ पेशेंस, क्रिएट अ लार्ज इनफ साइज एंड होल्ड इट विथ पेशेंस, दैट विल प्रोड्यूस इनफ मनी दैट, ठीक है। तो करेंटली ये थीम जो है ये मेरे ऑब्जर्वेशन की लिस्ट में है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स मेरे बॉटम कार्वेट के हिसाब से हो रहे हैं। क्लियरली डॉलर इज अ लीडर, इट इज लुकिंग लाइक अ लीडर इन दिस स्पेस, बट आई एम ऑब्जर्विंग दिस कंप्लीट सेक्टर, राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये 200 MA लाइन ऑफ रेजिस्टेंस का बहुत सारा सेटअप मिलेगा करेंटली, मैं आपको दिखा रहा हूँ सॉफ्ट में भी था।
इट वाज वाइकॉफ किस स्टाइल का था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लिनियरिटी किसका डिक्लाइन करता है, बाउंस बैक देखिए 200 पे जाता है, प्रोड्यूस्ड शेकआउट केम बैक, यहाँ से एक अर्निंग्स का गैप अप प्रोड्यूस कर रहा है, अर्निंग्स का गैप अप इसके सिंक में आना, दैट इज वेरी गुड, ये 200 को ओवरकम कर रहा है, 200 पे टाइट हो रहा है, वी कैन बाय राइट फ्रॉम, यू डू नॉट नीड टू वेट फॉर एनीथिंग एल्स, जस्ट एक बार आपको यहाँ पे कैरेक्टर मिल जाए, इंपल्सिव कैरेक्टर का, जस्ट बाय एंड जस्ट कीप ऑन होल्डिंग इट, इनफ साइज बना लीजिए, दो तीन पुल बैक जो भी मिलता है बिना ज्यादा ये किए, एंड कीप ऑन होल्डिंग द स्टॉक, इट विल ऑटोमेटिकली प्रोग्रेस इन योर एज पर योर रिक्वायर्ड. यस दूसरा करेक्ट स्टॉक आई विल गो टू मैस्टेक, इट इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप, मैस्टेक, सो अगेन आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस स्टॉक आता है निचले, रेट ऑफ डिसेंट जो है वो घट रहा है, राइट, एंड देन इट प्रोड्यूस्ड शेकआउट फॉर मी, इट प्रोड्यूस्ड बहुत ही स्मॉल शेकआउट है, बट इट प्रोड्यूस्ड अ शेकआउट. चेकआउट के बाद मैं ऐसे स्टॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऊपर जाते हैं एंड देन इट रीचेज 200, ये जब भी नीचे से पहली बार 200 को अप्रोच करेगा, इवन इफ इट इज एन अर्निंग्स गैप अप, ये इसको ओवरकम नहीं कर सकता, देन बहुत ही ऑर्डरली फैशन में ये पुल बैक कर रहा है, वी कैन बाय राइट फ्रॉम हियर, क्योंकि आप 200 के आसपास टाइटन हो रहा है, एंड वी कैन बाय फ्रॉम फर्स्ट पुल बैक एज वेल, वो भी पॉसिबल है, हालांकि ये कुछ बहुत खूबसूरत फॉर्मेशन ये यहाँ पे बना के दिखा. तो इस तरह से हम लोग बॉटम का कार्विंग आइडेंटिफाई करते हैं और उसके साथ जो रिवर्सल्स आते हैं हम लोग इसको ग्रेट देखते इनसाइट, यस हैं. तो ट्रेडिंग बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बॉटम में क्यों बाय करना, तो रीजन क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस का जो ओवरऑल नीड है वो सिर्फ इतना सा है कि वो ये बताता है कि ऑड्स ऊपर जाने के ज्यादा है या नीचे आने के ज्यादा है, उसके सिवा टेक्निकल एनालिसिस का बहुत लिमिटेड यूज. एक बार आपको पता चल जाए कि ऑर्ड्स ऊपर जाने के ज्यादा है या नीचे आने के ज्यादा है और वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म ऑर्ड्स रहते हैं, तो हम लोग उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज को क्रिएट करके सेम विन रेट के साथ, सेम सक्सेस प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग बहुत ज्यादा रिटर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन ट्रेड विद, ट्रेड मैनेजमेंट इज द की, उसके सिवा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट है, राइट, एनी क्वेश्चंस? यस, पहले तो मैं ये ऑब्जर्व कर लूँ यार, वॉज ग्रेट इनसाइट, सो मैनी थिंग्स टू यू नो व्यूवर्स के लिए बहुत कुछ है, और उनके जो क्वेश्चन जो मुझे आते रहेंगे रेगुलर वही मैं आपसे पूछूंगा। सबसे पहले तो ये कि आप मानते हैं कि ट्रेडर को, जैसे कि आपने बताया कि आप 2015 में कुछ और ट्रेड कर रहे थे, 18 में कुछ और, 2023 में कुछ और, तो एक ट्रेडर को इवॉल्व होते रहना बहुत जरूरी है। आपकी इसमें क्या राय रहेगी, क्या ये सच है, और वो कैसे कर तो सकते मैं अपने हैं? आप को आज से 3 साल पहले देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बेवकूफ आदमी था, क्योंकि सेम, मैं मुझे भी ऐसा 3 साल लगता में मैंने बहुत प्रोग्रेस किया, बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ है, एंड है। यदि मैं यही चाहता हूँ कि अगले 3 साल बाद जब मैं खुद को देखूँ तो आज के लेवल में अपने लिए सेम थिंग, और लर्निंग कभी भी जो चीज एक्सपीरियंस के थ्रू होता है, जब आप राजमार्ग से चलते हैं ना, जब आप हाईवे से चलते हैं तो आप निश्चित गंतव्य तक पहुंचते हैं, ठीक है, निश्चित डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन इस दुनिया की जो जर्नी है वो एक्सप्लोरेशन की है, एक्सप्लोरेशन कभी भी आसान नहीं होती है, और एक्सप्लोरेशन ट्रेडिंग जैसे सब्जेक्ट में जो प्रोबेबिलिटी का गेम है, जहाँ जो एक क्राफ्ट है, इट इज नॉट नॉट अ साइंस, जो भी इसको साइंस सोचेगा वो एक्चुअली फेल होगा, क्योंकि साइंस ये है लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स में साइंस है, यहाँ इसको लॉजिकल होने की जरूरत है, अंधविश्वास की जरूरत नहीं कि मुझे किसी पर्सन ने कुछ बोल दिया एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, यू नीड एग्जैक्ट एविडेंस फॉर दैट, लॉजिक होना चाहिए, राइट, लेकिन क्या होता है कि इट इज क्राफ्ट, ये ट्रायल एंड एरर से ही आता है, और मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा पूरी ट्रेडिंग के जर्नी में वो ये नहीं कि मेरे पास में 5,000 बुक्स है जो मैंने पढ़ी, मेरे पास बुक्स का एक अच्छा खासा लाइब्रेरी है, क्योंकि मेरी मदर को हैबिट थी पढ़ने की है, और इस वजह से मुझे बचपन से पढ़ने की हैबिट हुई है, बट द पॉइंट इज कि मैंने कभी भी उन बुक्स को पढ़ा भी नहीं, इवन उनके उनका कंटेंट लिस्ट भी बहुत सारे का, ठीक है, सो आई एम अ बुक होल्डर काइंड ऑफ थिंग, राइट, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि मैं हर उस कंटेंट को समय देने के लिए तैयार हूँ जो मुझे एक नया एस्पेक्ट दे, एक ग्रेट। चेन ऑफ रिएक्शन मेरे दिमाग में ट्रिगर कर सके जिससे मैं कुछ नया सोच सकूं, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बुक्स आज के डेट में बहुत सारी हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था,
ना 99% ऑफ वीडियोस और कंटेंट क्रिएशन जो थी, एक बार मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि जितने सारे कंटेंट है इसको कंज्यूम करने में हम लोगों को 7 जन्म लेने पड़ते हैं, एंड ही वाज नॉट रॉन्ग, राइट। कंटेंट बहुत ज्यादा है इस दुनिया और इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो है, लेकिन फ्लो क्वेश्चन बहुत ये है कि ज्यादा आखिरकार है। इसके बावजूद ट्रेडिंग में लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहे, क्यों अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो रहे? ट्रेडिंग को लेके तो बहुत ज्यादा कंटेंट है, लेकिन लोगों को ये हेल्प क्यों नहीं कर रहा है? क्यों उनको ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू अ क्राफ्ट, इसमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने नहीं वाला है। बनेगा। ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़ के, ये वैसा हो गया कि आप बोलेंगे कि अब मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ, मैं माइकल फिलिप्स की बुक पढ़ूँ तो मैं स्विम कर लेता। माइकल फिलिप्स सबसे पहले वो बुक लिखेंगे नहीं, और यदि वो लिखेंगे तो भी पढ़ के कोई स्विम नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए पानी में उतर के 100 बार फेल होना होगा, 1000 बार फेल होना होगा, और तब फिर हम लोग सक्सेसफुल होंगे। लेकिन आज का जो सोशल मीडिया का जो जमाना है, ये फेलियर को अप्रिशिएट नहीं करता, राइट। फेलियर को अप्रिशिएट इसलिए नहीं करता क्योंकि हर आदमी दिखाना चाहता है कि हम लोग सक्सेसफुल कैसे, ठीक है, कितना पैसा हम लोग कमा रहे हैं, कितने बड़े अकाउंट पे पैसा हम लोग कमा रहे हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहता है कि उसके साथ कितने बार वो फेल हो रहे, क्या उसके ड्रॉबैक्स है। लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर ये होती है कि आप सक्सेसफुल एक बार होते हैं, लेकिन उससे पहले आप 1000 बार फेल होते हैं। ये कोई मोटिवेशन का पॉइंट नहीं है, जैसा कि आजकल बहुत सारे हैंडल्स पे रहता है कि फेल 1000 बार हो, लेकिन पॉइंट क्या होता है कि इट इज अबाउट ट्रायल। हम लोग लगातार ट्राई करते हैं, ट्राई करके जो नॉलेज आती है, इट इज मोर प्योर, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द नॉलेज जो हम लोग बाहर से करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो बाहर से नॉलेज आती है, इट इज नॉट एब्सोल्यूटली करेक्ट, दैट इज अनदर पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व की। बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ का मिक्सचर होती है, बहुत सारे डिफरेंट लोगों के इंटरप्रिटेशन होते हैं, जो कई बार बहुत बड़े लोग हो सकते हैं और बहुत गलत भी हो सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग गलती जो मैंने मार्क मिनर्विनी की बुक में पढ़ी थी, राइट, तो लोग बोलेंगे कि मैं सबका क्रिटिसिज्म करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस का एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। तो मैंने मैंने जब उसे पढ़ा, मुझे कंसेप्ट तो समझ में आया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि आखिरकार इसमें लीस्ट क्या है। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस समझ में आता है, लेकिन लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है, राइट, व्हाई इट इज लीस्ट रेजिस्टेंस? तो ये मेरे दिमाग में रहा जब मैंने ये 200 mA एज लाइन ऑफ एज पिवोटल पॉइंट का कंसेप्ट निकाला। तो पहले इसका नाम था 200 mA एज लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, बेस्ड ऑन दैट बुक, जो जो बिलीफ था जो उन्होंने एक्सप्लेन किया था। उनका कहना था कि लीस्ट रेजिस्टेंस इज द लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, और प्राइस इस लाइन को ब्रेक करती है तो वो बहुत ऊपर। बहुत दिन तक ये मेरे दिमाग में चलता रहा कि आखिरकार इसमें ये पॉइंट क्या है, लिस्ट क्या है। फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि उन्होंने कोट किया था कि लिवर मोर की बुक में, तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लिवर मोर की हर बुक में सर्च करके देखूंगा कि कहाँ मुझे लाइन ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट मिलता है, ताकि मैं सोर्स पे ये समझ सकूँ कि आखिरकार लिवर मोर क्या कहना चाहते हैं, इसमें लिस्ट क्या है। देन आई रियलाइज कि लिवर मोर ने ये एक्सप्लेन किया कि लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली ये कोई लाइन नहीं है, इट इज अबाउट द बुलिश एंड बेरिश प्रेशर। यानी कि एक पानी के बहाव से सोचिए कि पानी, मान लीजिए कि एक वैली जैसी चीज है, उसमें एक ऊंचा पत्थर है, राइट, पानी उसमें से बह रहा, ठीक, वो उस जगह से बहेगा जहाँ सबसे ज्यादा नीचे होगा, सरफेस जहाँ सबसे ज्यादा नीचे होगा, सबसे पहले वो एरिया से, वो चट्टान के ऊपर से तभी बह सकता है जब तक कि पानी पूरा बराबर ना हो जाए चट्टान को सरफेस तक, क्योंकि चट्टान इज नॉट द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। उसके अगल बगल के जो नीचे एरिया था वो पहले लीस्ट रेजिस्टेंस, तब फिर वो चट्टान के ऊपर से बहेगा। तो यही चीज है, वो कहना चाह रहे हैं कि यदि नीचे की तरफ, जैसे 200 mA लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, लाइन एज पिवोटल पॉइंट, ऊपर से एक प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस है 200 की, जो उस प्राइस को लगातार रिजेक्ट कर रही है, वो एक विजिबल रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन नीचे से एक इनविजिबल डिमांड है जो प्राइस को नीचे जाने नहीं दे रही है। इट इज जस्ट अ फाइटिंग एरिया जो डिफाइन हो गया, ठीक है, बुल और बेयर के बीच, जहां बेयर 200 से प्राइस को रिजेक्ट करें, लेकिन नीचे से बुलिश प्रेशर इतना ज्यादा है कि बुल्स उसको नीचे जाने ही नहीं दे रहे। अल्टीमेटली 200 पीरियड मूविंग एवरेज प्राइस को रिजेक्ट करने में नाकामयाब होता है, उसका ऑर्डर क्लस्टर जो है वो कंज्यूम हो जाता है और प्राइस ऊपर ब्रेक कर जाती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को यदि मैं लिवर मोर के टर्म्स में बोलूँ, तो वो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं पिवोटल पॉइंट, ये उनका स्पेसिफिक वर्ड है जिसका वो यूज करते हैं, जिससे पाइवट पॉइंट्स, राइट। ओके ओके
तो उनका जो एक्सप्लेनेशन था मिनरविन की, जो अंडरस्टैंडिंग थी लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के बारे में, इट वाज नॉट एक्यूरेट इन एट दैट पॉइंट, राइट? इट शुड बी पाइवटल पॉइंट अबाउट व्हाट ही इज सेइंग, बट द पॉइंट इज यहाँ मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे इवन बड़े लोग जिनसे भी आप पढ़ रहे हैं उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो कुछ पॉइंट पे गलत हो सकती है. देयर ये उनके सक्सेस पे कोई क्वेश्चन नहीं डाल रहा है, ये उनके नॉलेजेबल होने पे क्वेश्चन नहीं डाल रहा, ये जस्ट ज्ञान की प्योरिटी पे एक पॉइंट है जो हम लोगों को इम्प्रूव होना है, इसलिए हम लोग इम्प्रूव करेंगे, राइट? और इस दुनिया में इम्प्रूव वो नहीं होता है जो कि क्वेश्चन नहीं करता है अपने प्रेडिसेसर के कंसेप्ट को, क्योंकि हर समय समय डिफरेंट है. मैं अर्जुन को देखूं और आज के जमाने में ये सोचूं कि अर्जुन आज होता तो वो धनुष बाण चलाता, ऐसा नहीं. आज जमाना बदल गया है, आज कोई अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा तो भी वो कुछ नहीं कर सकेगा, है ना? तो समय चेंज होता है. आज डारवास होते तो वो बॉक्स ट्रेड नहीं कर रहे होते, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. डारवास इवॉल्व हो चुके होते, वो वही 70 साल पुराना कंसेप्ट लेके नहीं बैठे होते, मिनर विलियम ओनील 30 साल पुराना कंसेप्ट लेके नहीं बैठे होते. तो हम लोगों को क्या प्रिवेंट कर रहा है कि हम लोग इवॉल्व ना हो, ठीक है? और क्वेश्चनिंग जब भी होगी तो देर विल बी प्रॉब्लम. क्या होती है, 99% ऑफ कंटेंट जो बनता है वो इस समाज में 95% पीपल डम है, दे वॉन्ट इमीडिएट रिजल्ट विदाउट पुटिंग इनफ एफर्ट. तो जब लोग बोलते हैं ना कि लोग गुलेबल ट्रेडर्स को ठगे जा रहे हैं, मैं पूछता हूँ कि वो ठगाने के लायक, राइट? इट माइट बी अ बैड ओपिनियन, राइट? लेकिन ये एक ब्रूटल ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप एक बिजनेस में आएंगे जो इतना कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, इस तरह से नहीं कि आपके सामने एक दूसरी दुकान खुली हुई है जो आपसे ज्यादा, इस तरह से कि ये माइंड माइंड गेम है, ये एक दिमाग का खेल है, चेस की तरह, पोकर की तरह, वॉरफेयर की तरह, मार्केटिंग की तरह. आप उसमें सोच रहे हैं कि आप इसमें इजी मनी कमा के चले जाएंगे, ठीक है, बाय पुटिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट, राइट? 4 दिन के वर्कशॉप से, 2 दिन के वर्कशॉप से, ये यहाँ पे जाके एक सेमिनार, एक वेबिनार ज्वाइन करके आप सोचते हैं कि आप इससे पैसा कमा ले. ये ऐसे वर्क कैसे करेगा? यदि ऐसा वर्क होता तो हर आदमी अपनी अपना सारा बिजनेस बंद करके इसी काम को कर रहा, क्योंकि यहाँ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कमाने की पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी साइज को देखिए कि क्या है, ठीक है? तो आखिरकार ब्रिलियंट लोग भी ये काम क्यों नहीं कर रहे, क्यों वो आज भी जॉब कर रहे, क्यों वो आज भी बिजनेस रन कर रहे, क्यों वो सिर्फ स्टॉक मार्केट में? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, यहाँ टाइम लगता है, समझने का समय लगता है, यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता, यहाँ रोज रॉकेट उड़ाने का समय नहीं होता है, यहाँ पेशेंस से राइट टाइम तक वेट करने की जरूरत होती है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप. ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं अपने दिमाग में कोई चीज, कोई सॉफ्टवेयर है जिससे मैं डेटा ट्रांसफर कर दूं ब्लूटूथ से आपके दिमाग में, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इट इज अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. तो जब आप लोभ में आके, आपने भी तो सोचा कि लोभ में आके मैं करूंगा ये कि मैं 5 लाख को अगले साल 10 लाख करूँ बिना एफर्ट करके, ठीक है? तो आपसे कोई ठग रहा है तो ठीक ही ठग रहा है, उसने क्या किया गया? यार मैंने बहुत सारे लोगों को समझाया, एक को बोला, वो बोला मुझसे, पूछा कि 100x लेवरेज कैसे मिलेगा. मैंने उसको उसके पीछे 1.5 घंटा समय खराब किया उसको समझाने में कि 100x लेवरेज लेने से कोई फायदा नहीं है, पेशेंस से ट्रेनिंग करो. वो एकदम नया था, वो नहीं समझा. उसने फिर पूछा कि जो ना 100x लेवरेज देने वाले ब्रोकिंग हाउसेस कौन से हैं, बस इसकी लिस्ट दे दीजिए. मैंने सोचा कि मैंने 1.5 घंटा फिजूल में बर्बाद किया. उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब जिंदगी में कभी भी ऐसे बेवकूफ आदमी को एडवाइस नहीं दूंगा, नहीं देंगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस से सीखेगा. पैसा लगातार फूल से नॉलेजेबल को ट्रांसफर होता है, जो आखिरकार जो आपको ठगने आया है वो अपने काम में जो है ना शातिर है इनफ, एक्सपर्ट है इनफ, और उसके लिए वो सफिशियंट है. आप नहीं दे रहे तो आपके आपके पास से पैसा उसके पास को ट्रांसफर हो गई, दैट इज एब्सोल्युटली नेचुरल, ओके ठीक है? वन मोर थिंग, मुझे एक चीज और पूछनी थी कि ये सेटअप को मास्टर करना कितना, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग ना बहुत सारे सेटअप ट्राई करे, एक्चुअली अभी रेडी भी नहीं उतने, उनके हिसाब से वो ट्राई करे कि ये सेटअप भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ। तो जो लोग ये क्वेश्चन मोर ऑफ जो बिगिनर है, जो अभी स्टार्ट करे ट्रेडिंग में, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए होगा कि उनको एक सेटअप सबसे पहले मास्टर कर लेना कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों तो इम्पोर्टेंट है वो। एक सेटअप आप तब मास्टर करेंगे जब आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी, तब ना.
यू आर इन एन एंडलेस सर्च बिकॉज यू आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर सोल्यूशन. तो यू थिंक दैट जो टैक्टिक आज मैंने 200 ml लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस एक्सप्लेन किया, कल मैं कोई और एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कंसेप्ट बनते रहते हैं. जब आप लगातार बैटल करते हैं अपनी प्रॉब्लम से तो सोल्यूशन निकलते रहते हैं. आप सोचेंगे कि अभी 200, जब तक मैं नहीं बता रहा हूँ तब तक सारा सीक्रेट 200 में, जिस समय आप समझ जाएंगे उस समय सारा सीक्रेट मेरे नए अपकमिंग थिंग में होगा. राइट, चीजें इस तरह से वर्क नहीं करती है. राइट, इट इज अबाउट ब्रेंडिंग, लगातार एक चीज में दिमाग घसने के बारे में. राइट, लगातार जब आप दिमाग घसते हैं ना अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं, क्लैरिटी कहाँ से आती है? क्लैरिटी ये समझिए कि नॉलेज के दो सोर्स है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है और एक इंटरनल सोर्स होता है. एक्सटर्नल सोर्स बुक्स, वेबिनार्स, इंटरव्यूज एंड एवरीथिंग एल्स, राइट, बट वो नॉलेज लिमिटेड होती है और इम्प्योर हो सकती है. ठीक है, वो उस दूसरे पर्सन के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो सकती है. देन देयर इज नॉलेज जो आपके अंदर होता है, द नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं आती, तब आप किसी चीज के कोर बेसिक थिंग्स को समझते हैं कि ट्रेडिंग फंक्शन कैसे करती है. एक बार जब वो समझ में आ गया है तो ये समझिए कि बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के क्या ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने इस दुनिया को समझा. राइट, तो पॉइंट यही है कि जो बोधित्व है ट्रेडिंग में वो उस मोमेंट में आएगा जब आप चीजों को समझ जाते, तो ये एंडलेस सर्च खत्म हो जाती है. कोई आके कल मुझसे बोलेगा कि ये चीज ऐसे नहीं करती है, ठीक है, वो एक ओपिनियन लाएगा, कोई जरूरी नहीं कि मैं उसके ऊपर ध्यान भी दूं या उसको जाके काउंटर भी करने की कोशिश करूं. क्यों? क्योंकि वो अभी उस समझदारी के लेवल पे नहीं पहुंचा है कि वो डिबेट करके आ सके और वो मुझे समझा सके. यदि आपके लिए कोई चीज ट्रुथ है, आपने देखा कि सूरज उगता है, कोई दूसरा बोलेगा कि सूरज नहीं उगता, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं जो चीज सामने साक्षात देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ, उसको बोलूंगा कि नहीं ये सूरज नहीं है क्योंकि उसने बोलता है, ऐसा नहीं होता है. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सेटअप को लेके क्लैरिटी सिर्फ तब आएगी जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, इनकम के लिए मार्केट में या वेल्थ के लिए मार्केट. इनकम और वेल्थ दोनों दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, दोनों के लिए दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटअप्स होते हैं. अब लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेंगे, वेलोसिटी सोचेंगे कि मैग्नीट्यूड का रिटर्न क्यों नहीं मिला. मैंने ट्रेड लिया 1% स्टॉप लॉस के साथ और मैं सोच रहा हूँ कि स्टॉक 200% अप चला गया तो मैं इस ट्रेड को मिस कर गया. ये एक बहुत ही ओवर हाइप सब्जेक्ट है सेलिंग का. सेलिंग को लेके सारा हाइप क्यों? क्योंकि लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं, मुझे कभी भी कोई क्वेश्चन डाउट या कंफ्यूजन नहीं होते इसमें. क्यों? बिकॉज आई फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस जो मेरे हिसाब से मेरे ऑब्जेक्टिव के सिंक में है. उन्होंने अपनी बुक में वो बहुत बड़ा उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे स्टॉक्स क्या है, कैसे न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए, न्यू मैनेजमेंट होना चाहिए, न्यू चीजें होनी चाहिए, न्यू इंडस्ट्री कंडीशन होनी चाहिए, सारी चीजें बुक में. सब कुछ अच्छा होने के बाद उन्होंने लिखा अपने सेलिंग के चैप्टर में कि 25% गेन आ जाए तो आप स्टॉक को बेच दो. मेजोरिटी ऑफ मेरा एक क्वेश्चन ये है उनसे कि जब आपने इस दुनिया का 1% या 0.01% स्टॉक निकाला, 0.1% स्टॉक निकाला, आप उसको 25% पे क्यों बेचना चाहते है ना? क्योंकि आपने सारे फैक्टर्स लॉन्ग टर्म देखे. यदि एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो फिर आप एप्पल को आखिर 25% पे क्यों बेचे? राइट, इट डजेंट मेक सेंस. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस सिंक में नहीं है. 99% ऑफ ट्रेडर की प्रॉब्लम यही है. इवन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनकी प्रॉब्लम यही है कि उनका ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस सिंक में नहीं, उनको समझ ही नहीं है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, और उन्हीं ने क्या अपनी रियल लाइफ में कभी 25% पे एक स्टॉक बेचा? उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने उनके बड़े विनर्स थे सब उन्होंने सेलिंग टू वीकनेस, सब स्टॉक उन्होंने 200-400% रिटर्न जनरेट करके बेचे, बट 30-30 की 25%. क्यों? क्योंकि दुनिया में 95% जो लोग हैं वो डंप हैं और उनके लिए जो कंटेंट क्रिएट किया गया 99.99% इट इज फॉर द डंप पीपल. आप एक एक क्लासेस में आप डंप और जीनियस दोनों को बैठा लेते हैं और फिर आप दोनों को एक लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली जीनियस डंप हो जाएगा. डम को मीडियोकर बनाने के चक्कर में जीनियस जो है वो मीडियोकर बन जाता है. दैट इज अ वेरी ह्यूज, मतलब मेरा एक गुस्सा है क्योंकि लोगों को मैं देखता हूँ कि वो कभी भी, मतलब बहुत कम कंटेंट है जो आपको किसी भी तरीके से मेंटल कुछ ऐसा पढ़ के लगे कि हाँ ये कोई वाओ कर.
कुछ समझने के लिए, राइट? बिकॉज 99% ऑफ कंटेंट इसलिए कि बिगिनर को, एक डंप आदमी को कैसे एक मीडियोकर पर्सन बनाते हैं, और इस चक्कर में जो 95% में से 4.9, जो 5% जीनियस, उसमें से 4.99% ये सोचते हैं कि जो डंप कर लेते हैं यही ओरिजिनल कर लेते हैं, और वो अपना सोच जो है उसको उसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चनिंग पे लेके नहीं जाते। इस तरह से दुनिया का सब कुछ जो है वो मीडियोकर पीपल के लिए रह जाता है, जीनियस के लिए कुछ नहीं रह जाता। ये एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की सिचुएशन है जो हम लोगों के साथ है। ओनील का इतना बड़ा रिसर्चर है, ये मैं नहीं बोलता कि वो खुद नहीं समझते ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस, लेकिन उन्होंने देखा कि 25% अब जाके स्टॉक पुल बैक तो करेगा, पुल बैक करेगा, लोगों को वहां पे प्रॉब्लम होगी होल्ड करने के लिए, तो उन्होंने रूल बना दिया कि बेच लो, बेचते रहेंगे यदि 8% ही स्टॉप लॉस लेके, यदि बेचते रहेंगे तो रिटर्न के नाम पे कुछ नहीं देंगे। सबसे बड़े विनर्स को लेके भी मुश्किल से 20% रिटर्न को अपनी लाइफ देते हैं, तो उन्हीं जिस प्रोसेस को खुद नहीं फॉलो करते हैं वो उसको प्रीच करते हैं। फिर उन्हीं के यदि हम लोग वर्क को देखें तो उनका क्या ज्यादातर रूल ओरिएंटेड है, रूल ओरिएंटेड तो ताकि जो जनरल लोग है, जो जिनको समझ नहीं है, उनके बुक के पहले, मैंने सबसे पहले मैं बुक को हर वर्ड पढ़ता हूँ जब भी मैं किसी बुक को पढ़ता हूँ, तो उनके बुक को जब मैंने खोला तो फर्स्ट जो मैं पढ़ रहा था शुरू में कि ये बुक लिखी क्यों गई, जहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं वहां वो कहते हैं कि जो अमेरिका के ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग से जिनका कोई वास्ता नहीं स्टॉक मार्केट से, वो भी इस बुक को पढ़ के पैसा कमाते हैं। तो मैंने समझा कि मुझे अपने बुक के बारे में अपने एक्सपेक्टेशन को किस लेवल पे रखना है, कि ये बुक जो है ये एक जनरल आदमी के लिए लिखी गई जिसको कोई आइडिया नहीं, सो इट इज अ बिगिनर्स गाइड रादर देन बींग अ प्रोफेशनल्स गाइड, ठीक है? तो बिगिनर्स गाइड को के व्यू से जब मैं इसे पढ़ूंगा तो उस माइंड सेट के साथ पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा कि कहां मुझसे मुझे क्या लेनी, ठीक है? तो पॉइंट मेरे कहने का क्या है कि जब ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस सिंक में होगा तो सबसे पहले सेटअप से कुछ नहीं मिलता, सेटअप का बहुत लिमिटेड यूज है, वो सिर्फ ट्रेडिंग को फैसिलिटेट कर रहा है, उसके सिवा उसका कोई यूज नहीं। और सेटअप सिंपल से सिंपल हो सकता है और वो इफेक्टिव से इफेक्टिव वर्क कर सकता है। WIP वन ऑफ द बेस्ट सेटअप नहीं है मार्केट में, ये चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। WTC भी, जो 3WTC भी कुछ नहीं है, सब टाइट एरिया के टाइप है, राइट? दीज आर नॉट द बेस्ट सेटअप इन मार्केट, क्योंकि टाइट एरिया खुद में एक सेटअप है जो हम लोग देखेंगे तो 3WTC या WIB से बेटर ट्रेड है, राइट? लेकिन WIB और 3WTC वर्क क्यों करेगा, क्योंकि ये डंप होते हुए भी ये सिर्फ ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है एट द राइट पॉइंट, इट विल वर्क। ऐसा नहीं कि ये नॉन इफिशियंट है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क करेगा, बट इसमें एफिशिएंसी और लाई जा सकती है। कैसे लाई जा सकती है, ये 2 मिनट में, जैसे से स्टॉक ऑफ फॉल्ट रोकूं, राइट? इस स्टॉक के बारे में ट्विटर पे काफी चर्चा हो रही थी ड्यूरिंग दिस सीरीज, ये चार्ट यहाँ पे था, राइट? एंड देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन ट्विटर ऑन रोकी, राइट? सो ही सेड दैट 3 वीक में इसकी क्लोजिंग ऐसी ऐसी रही, इतनी टाइट क्लोजिंग है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, फंड बाइंग, राइट? एंड देन समवन सेड 3 वीक टाइट है, दूसरे एक पर्सन ने कहा कि बिल ओनील ने कहा कि गो अहेड एंड बाय द ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ द 3 वीक टाइट फॉर्मेशन रादर देन वेट फॉर ब्रेकआउट। तो ये लोग सारे इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि हाउ इट इज ए 3 वीक टाइट। ट्रेडर ये एम कारुसु जो है ये काफी अच्छे ट्रेडर हैं, वी ऑल नो, राइट? लेकिन ये कितना बड़ा फुलिशनेस है, जस्ट पे अटेंशन टू दिस, दिस इज अ 3 वीक टाइट अकॉर्डिंग टू रूल्स, बिकॉज इट इज नॉट, इट इज टाइट क्लोजिंग, राइट? लेकिन इस टाइट क्लोजिंग के का रीजन क्या है, क्या पर्पस है, क्यों टाइट क्लोजिंग, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस इज टाइटनेस इन प्राइस, राइट? यहाँ पे ये 24, 25, 28, राइट? दिस वॉज 1 वीक एंड 2500, ठीक है? 28 को खुला, 28, 29, 30, 1, 2, 6, दिस इज सेकेंड वीक्स क्लोजिंग एंड दिस इज थर्ड वीक्स क्लोजिंग। क्या इस 3 वीक की क्लोजिंग में हम लोगों को टाइटनेस कहीं पे दिख रही है? नहीं, डेरे पे नहीं दिख रही। नहीं दिख रही। सो इट वॉजेंट अ वैलिड 3 वीक टाइट, इट शुड बी। टाइटनेस यदि देखनी थी तो 3 वीक टाइट एक दूसरे के अंदर होता तो देखनी थी, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करा इस पर नहीं होता है ना। वीकली चार्ट पे यदि हम लोग टाइटनेस देखें, इट शुड बी
टाइट ऑन डेली तब वीकली पे वो होगा, ठीक है। तो ये बेवकूफी की बात है, मतलब बिल्कुल जिसको कहा जाए कि एब्सोल्युटली रबिश आइडिया है, चीजों को नहीं समझना है कि हम लोग इस तरह से इस चीज को, राइट। इसी तरह से एक दूसरा चार्ट था लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का, राइट। सो शॉर्ट स्ट्रोक का एक सेटअप था जो कि मैं काफी ट्रेड करता हूँ, सो आई वॉज ऑब्जर्विंग दिस इज शॉर्ट स्ट्रोक, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट शॉर्ट स्ट्रोक, राइट। सो यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रोक में लोग बोलते हैं वीकली चार्ट पे एक बड़ा कैंडल होगा और एक फिर एक छोटा कैंडल होगा, राइट। तो सी दिस चार्ट, मैंने इस स्टॉक को यहाँ पे और एक्यूमुलेट किया था, मेरे पास ऑलरेडी आईपीओ बेस की पोजीशन थी, और यही स्टॉक 2-3 महीने तक मुझे फ्रस्ट्रेट करने के बाद ये 150% रिटर्न मिली। सो आई वाज हियर, आई एक्यूमुलेटेड मोर पोजीशन हियर, ठीक है। अब मैं इसको वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये कैसा दिखता है। डू यू सी एनी काइंड ऑफ टाइटनेस और शॉर्ट स्ट्रोक काइंड ऑफ फॉर्मेशन हियर? नो व्हाई? बिकॉज एक वीक के बीच में ये पुल बैक आनी शुरू हुई 16 अगस्त को, है ना। उसके बाद ये 17 अगस्त रफली रफली वेंसडे से पुल बैक आनी शुरू हुई एक वीक में, और दूसरे वीक के थर्सडे में जाके पुल बैक खत्म हुआ, और फिर इसने अगले 2 दिन में ये अपर सर्किट हिट करता है और वीक का एंड यहाँ पे करता है। तो इसमें कभी भी वो टाइटनेस वीकली चार्ट पे आई ही नहीं है, लेकिन डेली पे वो टाइट था और वो वर्क अच्छा कर रहा है, ठीक कूल है। सो इट इज ऑल अबाउट टाइटनेस जो हम लोगों को देखना चाहिए। सो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट टैक्टिक्स, मोर टैक्टिक्स डजंट मेक मोर मनी, बेटर ट्रेड मैनेजमेंट मेक्स मनी, ठीक। मोर सेटअप्स डजंट मेक मनी, इवन इनएफिशियंट सेटअप से भी पैसा कमा सकते हैं, इट इज पॉसिबल। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी गुड यदि आपके पास है तो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले डिफाइन कीजिए, वेल्थ चाहिए या इनकम चाहिए। इनकम चाहिए, वेलोसिटी ट्रेड कीजिए। मेरे करियर में 2 इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। पहला, जब मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल, ये ट्रेडिंग प्लान बनाया था कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रेड करूंगा। दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है जब मैंने अपनी ट्रेडिंग को बाइफर्केट कर दिया वेलोसिटी में, मैग्नीट्यूड में और हाइब्रो में। मैग्नीट्यूड इज लॉन्ग टर्म पोजिशनल, जिसमें मैं बिल्कुल दिमाग नहीं लगाता हूँ, ट्रेड में बड़ी पोजीशन बना के और मैं बैठा रहता हूँ शांति से और 50 पीरियड से ट्रेड कर पा रहता हूँ, जब तक कि वो मुझे फोर्सफुली मार्केट से बाहर न कर दे, अनलेस देयर इज अ क्लाइमेटिक, ठीक है। दूसरे साइड, दूसरी टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो टाइट एक्शन ट्रेडिंग है, जो वेलोसिटी होती है कि आप उस ट्रेड ले रहे हैं, दैट इज अनदर। तो दोनों को मैं मैनेज करके चलता हूँ, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि फ्यूचर में मेरी लाइफ करेंटली भी जिस तरह की है ड्यू टू लीगल जो भी चलता रहता है, और जो फ्यूचर में जो सिचुएशन होने वाली है, आई विल रैदर प्रेफर वेल्थ, क्योंकि इनकम की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं वेल्थ प्रेफर करूंगा इनकम के ऊपर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव उस तरह से डिफाइंड है। तो अपना जो भी की स्किल है, यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, मेरा एक एडवाइस है, अगला 5 साल ये मत सोचिए कि 5 साल में कोई कमाई नहीं, राइट। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, पूरा दिमाग को। जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, कोई पर्सन आता है, तो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी एज क्या है? जैसे आई एम 30, 32, आई विल से वाओ, यदि 5 साल आप सीखने में व्यतीत भी कर देते हैं और 5 साल में कोई पैसा नहीं भी कमाते, तो अगले 25 साल 30 साल आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई रिटायरमेंट की एज नहीं होती है। जो 5 साल में आपने फाउंडेशन डाला, ये अगले 35 साल आपको पैसा देगा, लेकिन उसके लिए 5 साल पहले पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी 5 साल मेहनत करता है, तब जाके वो एमबीबीएस बनता है, आईआईटीएन बनता है। ट्रेडिंग में भी ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से कोई पैसा नहीं कमाता है। तो यदि एक स्किल डेवलप करना है, तो वो स्किल ये डेवलप करनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड ट्रेड को कैसे मैनेज करना है अच्छे से, और कैसे स्टॉक्स को, जो राइट स्टॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे व्हेन इट इज स्टार्टिंग टू गोइंग अप, ठीक है। जस्ट लाइक कोई थीम को आइडेंटिफिकेशन करना, स्टोरीज को आइडेंटिफाई करना, यदि हम लोग इस पे इन्वेस्ट करें अपने टाइम को और उसका सही से मैनेज करें, वी विल प्रोड्यूस मोर देन इनफ वेल्थ दैट वी हैव एवर इमेजिन, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। उसके सिवा ट्रेडिंग में कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, लेकिन वो सिंपल रखने के बारे में, और सिंपलिसिटी ऑफ एन एक्सपर्ट और सिंपलिसिटी ऑफ अ बिगिनर हमेशा डिफर करेगी। सिंपलिसिटी ऑफ अ बिगिनर इज आइडेंटिफाइंग दैट काइंड ऑफ पीडब्ल्यूटीसी, एंड सिंपलिसिटी फॉर एन एक्सपर्ट विल बी इन आइडेंटिफाइंग टाइट एरियाज जो उसके लिए वर्क करें, ठीक है। इट माइट सीम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर द
जो स्टार्ट करे उसके लिए वो इनिशियली कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन ये समय है जब आपको कॉम्प्लिकेटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि दिमाग में एब्सोल्यूट क्लैरिटी आ जाए। ओके सो थैंक यू चिराग भाई, आपने जो इनसाइट शेयर किया आई गेस बहुत व्यूवर्स को बहुत इनसाइट मिलेगा, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आई वुड वांट कि आप फिर से कभी टाइम लेके एक सेशन और करें, जहाँ पे एक लेसे कि हम उस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जो बिल्कुल मार्केट में बिल्कुल फ्रेश है, अगर वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसको अपनी जॉब के साथ स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना है, तो वो कैसे कर सकता है, उसके बारे में आप नेक्स्ट टाइम कभी टाइम लेके आके और वो भी शेयर करें। ठीक है, श्योर श्योर ओके, एब्सोल्युटली श्योर। एंड थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। हाँ, और थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग।